हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड टॉस और उसके द्वारा दिए गए कुछ टर्म्स के बारे में समझ लिया था और जान लिया था। उम्मीद कर रहा हूं कि उन टर्म्स को अच्छे से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। वो टर्म्स अब यहाँ पे वापस रिपीट होने वाले हैं। प्लस क्या करना है, एनसीईआरटी ओपन कर लो। बिना एनसीईआरटी के लेक्चर देखना तुम लोगों के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इससे पहले का सारा टॉपिक इसके पहले वाले लेक्चर में कवर कर दिए गए हैं। क्लियर है? तो क्या कहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो पहले तो ये बताओ डोमिनेंस क्या होता है। क्या पता है डोमिनेंस क्या होता है? कल लास्ट लेक्चर में बताया था हम लोगों ने। अगर डोमिनेंस पता है तो ही हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझ पाएंगे। अगर डोमिनेंस नहीं आता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं समझ पाएंगे। तो सिंपल से जैसे कि मैंने बताया था कि बायो में सिर्फ क्या है, इंग्लिश है और कुछ शब्दों का खेल है। तो पहले हम हेडिंग का मतलब समझ लें। डोमिनेंस का मतलब पता है ना, दो एलील्स में से एक एलील डोमिनेट करता है, उसके कैरेक्टर को छुपा लेता है। अब इनकम्प्लीट में क्या है, दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर दिखाएंगे। ना कोई एक पूरी तरीके से किसी को दबा पाएगा, ना कोई दबेगा। दोनों अपने कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या आता है, ना तो इसका कैरेक्टर आएगा। मान लो दो है मेरे पास, एक एलील है, एक दूसरा एलील है। दोनों अपने अपने कैरेक्टर दिखाएंगे, ना तो पूरा कैरेक्टर इसका आ पाता ना इसका आ पाता, बीच का कोई कैरेक्टर आ जाएगा। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से हावी भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका बीच का एक मिक्सचर क्रिएट होता है। यहाँ पे एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, जो एक फ्लावर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉग फ्लावर। अभी पूरा रीड भी करेंगे इसको, हम स्नैपड्रैगन और एंटी एरेनियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे पास जो रेड कलर का फ्लावर है, ये कैसा है मेरे पास, होमोजाइगस। अब देखो मैं बोलूंगा होमोजाइगस हेटरोजाइगस। अगर नहीं टर्म क्लियर है तो पॉज करके टर्म क्लियर कर लो, वरना कहोगे हमें लेक्चर समझ में ही नहीं आ रहा, बार बार ये टर्म मैं क्लियर नहीं करूंगा। ये कैसा है, होमोजाइगस। ये भी कैसा है, होमोजाइगस। तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो स्मॉल आर को हमने रिसेसिव के लिए क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। बट हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, इस बार जब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर को हम लोग मतलब आपस में क्रॉस कराते हैं, इन दो फ्लावर को यानी कि इन दो पौधों को, तो पहली जनरेशन में जो हमको मिलता है वो क्या मिल रहा है, पिंक। ऑब्वियसली बात है, कल का तुमको याद होगा टी और टी को जब स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं, सारे के सारे क्या आते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर सारे के सारे कैसे होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाएंगे। क्लियर है बातें, ठीक है ना? अब हमने क्या देखा, ना तो ये रेड है और ना ही ये व्हाइट है, ये बीच का आ गया, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। ना पूरी तरीके से व्हाइट, ना पूरी तरीके से रेड। यही है हेडिंग हमारी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अधूरा। अच्छा, अब जब वापस लेके आते हैं तो पुनर्ट करके थ्रो हम देख सकते हैं। अब इसको जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो यहां से दो गैमेट्स निकलेंगे, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर निकलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब क्या होगा, कैपिटल आर 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 यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमको क्या मिल जाएगा, वापस से पिंक मिलेगा। स्मॉल आर कैपिटल आर क्या मिलने वाला है, पिंक। और स्मॉल आर क्या मिलने वाला है, व्हाइट। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? तो यहां पर चीजें सारी वही है, पुनेट स्क्वायर मोनोहाइब्रिड क्रॉस सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आया, सब कुछ सेम मिला हमको, फर्क क्या आ गया, केवल यहां पर जो F1 जनरेशन थी यहां पर हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा फॉलो नहीं हुआ। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था हम लोगों ने, वो हमारा यहां फॉलो नहीं हुआ, यानी कि कोई भी डोमिनेंट नहीं है। यानी कि हमने कल भी पढ़ा था कि आगे जाके जैसे जैसे मेंडल के जो लॉज थे उनको और रिसर्च किया गया, उनमें कुछ चीजें ऐड करी गई, क्योंकि वो लॉज पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थे, उनमें कुछ चीजें अधूरी थी। अब जैसे ये वाला कैरेक्टर, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, और यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमको क्या करना है, क्योंकि एनसीईआरटी है तो यहां पे हमें ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, सिर्फ समझना है ऐसा भी होता है और इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर होगी बात, आओ समझते हैं आप क्या कह रहे हैं। व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पीस वर रिपीटेड, मटर के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट रिपीट किए गए बार 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 यूजिंग अदर ट्रेट, दूसरे लक्षणों के साथ, कभी टॉल हाइट ले ली गई, कभी कलर ले लिया गया, कुछ भी ले लिया गया, इन अदर प्लांट इट वॉज फाउंड डेट, ये पाया गया डेट की समटाइम्स द F1 हैड अ फिनोटाइप डेट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट। कई बार ऐसा पाया गया जो F1 का फिनोटाइप था, देख रहे हो ये F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है यानी कि पिंक है, ये आइदर पेरेंट, दोनों में से किसी पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रहा है, ठीक है ना? एंड वॉज इन बिटवीन द टू, और वो उन दोनों के बीच का था। क्लियर है?
तो यहां तक तो अभी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो हमारा एग्जाम में पूछा जाए। बात बता रहा है कि फिनोटाइप किसी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा था। क्वेश्चन जहां आएगा मैं मार्क करूंगा। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर, यहां तक उसने एक डाटा बोल दिया कि ऐसी घटना घटी, अपने मतलब की नहीं है, हुआ ऐसा। अब क्या बोल रहा है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। अब यहां से उसने एग्जाम्पल उठा लिया किसका, डॉग फ्लावर को, जिसका हम स्नैपड्रैगन और एंटी अरिनियम भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है, उसने मटर को हटा दिया क्योंकि मटर में हमको वो चीज उतनी क्लियर नहीं समझ में आ रही थी, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा। सबसे अच्छा समझ में किसमें आता है, डॉग फ्लावर में। क्लियर कट रेड और व्हाइट का मिक्सचर हमें पिंक दिखाई पड़ता है, इसीलिए एग्जाम्पल किसका उठाया गया है, डॉग फ्लावर का। आओ देखें क्या कह रहा है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर, जो फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी कि आगे जो ट्रांसफर हो रहा है। अब ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, यहां पर इसको मार्क कर लेना, ये नीट का सवाल है। कौन सा फ्लावर लिया गया था, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या एंटी अरिनियम। इसका जो कलर है फ्लावर का, इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से कईयों में होता होगा, लेकिन एनसीईआरटी हमारे को किसका एग्जाम्पल लेने के लिए कह रही है, डॉग फ्लावर का। क्लियर है बातें, आगे समझते हैं बात को। अब ठीक है, आगे आते हैं। अब यहां पे एक पैरा खत्म कर दिया उसने, फिर कह रहा है, इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर आरआर। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब समझते हो ना, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, जिसमें पूरे के पूरे हमारे क्या होगा, या फिर यूं कह लो कि होमोजाइगस क्या होगा, वो होगा जो एलील्स होंगे वो होमोजाइगस होंगे, एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर। उसने रेड और व्हाइट फ्लावर के ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स लिए, और मतलब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, उनको आपस में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। एफ वन में आया स्मॉल आर और कैपिटल आर वॉज, और वो क्या था, पिंक था। वो कैसा था, पिंक था, यानी कि हमको क्या मिला, ये पिंक मिला। फिगर 5.6, व्हेन द एफ वन वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, और जब एफ वन को आपस में सेल्फ पॉलिनेट किया गया, ठीक है ना। कल अगर तुमने लास्ट लेक्चर देख रखा है तो समझ रहा होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसी को आर आर को आपस में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो क्या कह रहा है, सेल्फ पॉलिनेटेड एफ टू रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशियो, 1 RR रेड, 2 RR पिंक, और स्मॉल आर व्हाइट, इसके 1, यानी कि फाइनल जो रेशियो मेरे को मिलता है यहां पर एफ टू जनरेशन में, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। देखो रेशियो बिगड़ गया, पहले वाले में क्या था, जो हमने टॉल वाले में किया था उसमें 3:1 था फिनोटाइपिक रेशियो, और 1:2:1 क्या था, जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों रेशियो हमारे पास क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। मार्क करेंगे इस चीज को, क्वेश्चन है तुम्हारा नीट का, ठीक है। आगे आते हैं, तो उसने बताया कि क्या हो रहा है यहां पर, कि ये रेशो मिल रहा है हमको, हेयर द जीनोटाइपिक रेशो वर एग्जैक्टली एज वुड एक्सपेक्ट इन द इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट द फिनोटाइपिक रेशो हैड चेंज। कह रहा है यहां पर जीनोटाइप रेशो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही मिला जैसा सोचा था, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से, बट लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया पूरी तरीके से, जो कि पहले क्या आया था हमारा 3:1 आया था, अब क्या आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। क्लियर है बातें, अब क्या कह रहा है। तो यहां तक जो बातें अगर तुम लोग मार्क करना चाहते हो तो मैं बता दूं तुम लोगों को, यहां से लेके यहां तक ये लाइन तुम लोग चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, अपने मतलब की नहीं है, यहां से लेके यहां तक कि इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। यहां पर क्या किया गया, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। अगर ये बात समझ में आती है तो ये लाइन बार बार पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं है, इतनी बातें यहां से हटा सकते हो, तो तुम लोगों को पढ़ने का कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर है बातें, अब आगे आते हैं। कंटेंट पढ़ने वाला क्या था, मैंने बताया था यहां से लेकर यहां तक कि फ्लावर कौन सा लिया गया। आगे आते हैं, व्हाट हैपेंड वाज दैट आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वाज दैट आर, जो वो आर है वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, क्या वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है आर के ऊपर। एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश आर आर एज पिंक फ्रॉम आर आर रेड एंड आर आर व्हाइट। तो कह रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वॉज डेट आर, क्या वो आर वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आर, क्या वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं आर के ऊपर, छोटे वाले आर के ऊपर। एंड दिस मेड इट, इसने ये पॉसिबल बनाया कि आर आर एक पिंक की तरह अलग निकल सके, रेड ना बने और व्हाइट ना बने, यानी कि इनकम्प्लीट होने की वजह से ना तो रेड रहा ना वो व्हाइट रहा। अब बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन की, तो यहां पे हम फिर देख सकते हैं ये जो लाइन है इतनी, ये इसने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि क्या घटना घटी। तो यहां पर अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी अपने मतलब का नहीं है देखा जाए तो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है,
व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, कह रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब डोमिनेंस को थोड़ा सा और क्या कर रहा है यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। तो उतनी बातें जो ऊपर की थी वो उसमें क्या था, एक तरह का नॉर्मल सी बात बता रहा है, क्वेश्चन अराइज कर रहा है ताकि क्यूरियोसिटी क्रिएट हो। अब यहां पर क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, क्या है एग्जैक्टली डोमिनेंस, तो कह रहा है Why are some alleles dominant and some recessive? क्यों some alleles dominant है और क्यों कुछ recessive है, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे ना जड़ में घुसने की कोशिश कर रहा है वो। To tackle these questions, we must understand what genes does. हमको इस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए, टैकल करने के लिए हमें समझना होगा what genes does, genes करते क्या हैं? ठीक है, अब आ गया है। तो क्या करते हैं, एवरी जीन्स एज यू नो बाय नाउ, अब तक तुम जानते हो, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। इसको अंडरलाइन करेंगे, हर एक जीन्स के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, किस चीज की, टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, किसी एक लक्षण, ट्रेट मतलब कोई एक लक्षण जैसे कि हाइट है, कलर है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कि कौन सा जीन्स क्या करेगा, उसको एक्सप्रेस करने का उसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। इन अ डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डायप्लॉइड मतलब जो 2n होते हैं, पता है ना, सिर्फ हैप्लॉइड हमारे कौन से थे, याद है क्लास 11 में पढ़ा था हम लोगों ने, एल्गी वगैरह जो होते थे हमारे लोअर प्लांट्स होती थी वो n होती थी, अदरवाइज हायर में आ जाओ सब डायप्लॉइड होते हैं। देयर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन्स, हर एक जीन्स की दो कॉपीज होती हैं। ये सब तुम्हारा, अब ये सब तुम्हारा याद करने वाली चीजें हैं, ये सब छोड़ने वाली चीजें नहीं है। यहां पर डोमिनेंस का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। तो पहले यहां पर जीन्स को समझाया जा रहा है, जीन्स क्या है, जीन्स का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रखता है कि उसको क्या दिखाना आगे जाके, हाइट लंबा करेगा कि कलर वायलेट करेगा या कुछ और करेगा, ये इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके पास। फिर कह रहा है देयर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन्स, हर एक जीन्स की दो कॉपी होती है, दैट इज एज ए पेयर ऑफ एलील, हमें पता है एलील हम पढ़ चुके हैं, अल्टरनेटिव एलील्स होते हैं। नाउ दीज टू एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा क्या हो, एक जैसे हो, एज इन हिट्रोजाइगोट, जैसे कि हम हिट्रोजाइगोट में देख सकते हैं कि दोनों एलील्स एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, एक दूसरे से अलग हो सकता है किसी चेंज की वजह से, दैट इज दैट इट हैज अंडरगोन, अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो चेंज आ रहा है इसके अंदर उसको तुम पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट, एक अलग हो सकता है ड्यू टू सम चेंजेस, कुछ चेंजेस की वजह से, दैट इट हैज अंडरगोन, जो कि उसके अंदर आए होंगे, विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन, जो उस जीन्स की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर देगा, बदल देगा, दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को बदल दिया जाता है। अब वो चेंजेस कैसे आए, कहां से आए, वहां जाने की अभी जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात समझ लो, हुआ क्या, क्या बात हुई यहां पर कि कुछ चेंजेस कई बार आ जाते हैं, देयर आर सम चेंजेस, जो क्या करता है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है मॉडिफाई हो जाती है इंफॉर्मेशन उसके अंदर की। अब जब इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो गई, यानी कि मान लो एक टॉल वाला जीन्स था, वो क्या कर रहा है, अपने आप को टॉल दिखा रहा है, अब कुछ हरकत हुई उसके ऊपर, कैसे हुई वो समझेंगे बाद में, म्यूटेशन वगैरह तमाम बातें अलग बातें आएंगी, उसमें कुछ चेंजेस आए और चेंज क्या हो गया, टॉल की जगह वो छोटा दिखाने लगा या कुछ और एक्टिविटी करने लगा, उसमें जैसे ही चेंजेस आ गए अब वो अपने वाले कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा है। तो जब जीन्स में कुछ चेंजेस हो जाएं, उसमें जो इंफॉर्मेशन उसको देनी आगे जाकर, उसमें कुछ चेंजेस हो जाए और वो इंफॉर्मेशन ना दे पाए, कुछ और इंफॉर्मेशन देगा, तो वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहां पर एक बात स्पष्ट कर दी उसने कि जीन्स यानी कि जो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है उनमें क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीन्स दैट कंटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अब यहाँ एग्जाम्पल समझो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो पहली चीज क्या पकड़नी है, जीन्स के पास इन्फॉर्मेशन है और वो कई बार बाय द वे चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि क्या है, जीन है दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है और वो एक खास तरह का एंजाइम बनाता है। ठीक है, नाउ देर आर टू कॉपीज ऑफ दिस जीन, अब इस जीन्स की दो कॉपीज हैं, द टू एलिलिक फॉर्म है ना, दो एलिलिक फॉर्म जो उसकी कॉपीज होती है, अल्टरनेटिव ऑफ एलील्स, टू एलिलिक फॉर्म पता ना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, वैसे इसकी भी दो होंगी। लेट अस अज्यूम एज इज मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम, यानी कि मान लेते हैं कि जो नॉर्मल एलील होगा वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एस। अब यहां पर देखो कहानी उसने बिल्कुल बदल दी, यहाँ बच्चा ना एकदम यहाँ फ्लावर और यहाँ एंजाइम भटक गए, बच्चा कहाँ से कहाँ चले गए,
कुछ नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर हमको अभी जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सिक्स्थ वाला, उसमें क्लियर होगी एक बात कि जो डीएनए होता है, डीएनए होता है जो, ये क्या है डीएनए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो अपने ऊपर क्या बनाता है, आरएनए बनाएगा, आरएनए अपने ऊपर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब ये प्रोटीन ही तो होती है, मेरे ख्याल से अब तक थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी होगी, ये प्रोटीन ही आगे जाकर के किसमें बदल जाती है, एंजाइम में बदलती है, ये प्रोटीन ही आगे जाकर के एंजाइम बदलती है, यानी कि ये प्रोटीन जो बनी है वो ये यही प्रोटीन बनेगी। ये इंफॉर्मेशन कहां थी, डीएनए के पास, डीएनए ने उसको इंफॉर्मेशन को पास करी आरएनए के पास, और आरएनए ने अल्टीमेटली क्या बनाया उसको, उससे प्रोटीन बना दी। अब ये कैसे होती है ये सारी प्रोसेस नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। तो फिलहाल अब एंजाइम पे आ गए, एंजाइम काम कैसे करता है, थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, इस टाइप से पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ये क्या है एंजाइम है कि नहीं है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा होता है, सब्सट्रेट होता है। एंजाइम जिसके ऊपर काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सट्रेट कहते हैं, ये एंजाइम हो गया। फिर एंजाइम जब इसको काम कर देगा तो ये सब्सट्रेट मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ गया, ये मेरा रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ गया, यानी कि इसने इसको तोड़ दिया है। तो यहां पर अब ये एंजाइम की बात लेकर समझाने की कोशिश कर रहा है केवल, और कोई बात नहीं है, यानी कि डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को यहां पर वो एंजाइम के रिलेशन में बात समझाने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब एंजाइम की बात होगी तो उसके फंक्शन की भी बात हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अब उसने क्या बोल दिया है कि एंजाइम है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो अपने सबस्ट्रेट जिसके ऊपर काम कर रहा है उसके ऊपर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, अब क्या कह रहा है, थ्योरेटिकली बात करें अगर हम लोग, कि ऐसा हो सकता है कि जो एलील, एक एलील तो नॉर्मल था, जो एलील क्या है नॉर्मल है, जो एंजाइम नॉर्मल है, नॉर्मल एंजाइम दैट नीड टू बी नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, ये एस था, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरत थी नॉर्मल एंजाइम की। थ्योरेटिकली कह रहा है जो मॉडिफाइड एलील होगा, जो एक बदला हुआ एलील होगा, कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, वो हो सकता है क्या करे, द नॉर्मल अब्लिक लेस एफिशिएंट एंजाइम और अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल, ऐसा हो सकता है कि जो मॉडिफाइड एलील है वो एक लेस एफिशिएंट एंजाइम पैदा करे, यानी कि वो इस सब्सट्रेट को, जो एंजाइम बनेगा वो इस सब्सट्रेट को पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाएगा या उतना अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं करेगा, या ऐसा होगा एक सेकंड में 100 सब्सट्रेट टूटने चाहिए, ये एक सेकंड में 10 ही सब्सट्रेट तोड़ रहा होगा, यानी कि एंजाइम थोड़ा डिफेक्टिव हो गया, या नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम तो बना लेकिन वो ऐसा बना कि इस सब्सट्रेट को तोड़ ही नहीं पाता है, नॉन फंक्शनल है। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम बने ही ना, कौन सा वाला एलील, दो एलील होते हैं उसमें से एक तो नॉर्मल है और एक कैसा है, ऐसा है, बात समझ में आ रही है। तो वो इस चीज को इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं। अब दो केस हो गए यहां पर, क्लियर हो गए, एक नॉर्मल और एक डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कह लो या मॉडिफाइड, डिफेक्टिव नहीं कहेंगे अभी, क्या कह रहे हैं उसको, मॉडिफाइड। एक एलील यानी कि जो आता था तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाता था, एक एलील अगर आएगा तो वो एंजाइम के तीन तरीके के फॉर्मेट तैयार कर सकता है। तो कह रहा है इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस यानी कि जहां पर हमारा एलील नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है, अच्छा केस इसकी बात कर रहा है, ये तीन केस है हमारे पास, ठीक है, ये है केस, ठीक है। यहां पे देखो क्या कह रहा है कि मॉडिफाइड तो हुआ लेकिन वहां पर वो क्या रहा, नॉर्मल रहेगा, एक क्या केस में डिस्कस नहीं किया, हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन आए लेकिन उसने एंजाइम की क्षमता में किसी भी टाइप का कोई भी असर नहीं किया। तो यहां पर यही कह रहा है, इन फर्स्ट केस क्या है, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, कि जो मॉडिफाइड हो गया है वो अनमॉडिफाइड के बराबरी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज इट विल प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप और ट्रेट, जैसा बनाता था वैसा ही बनाएगा, ठीक है। अब ये चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ना, जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे साइलेंट म्यूटेशन, म्यूटेशन तो हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंट म्यूटेशन, समझेंगे उसे बाद में, ठीक है। पहला केस मॉडिफिकेशन हुआ बट किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जैसा दिखता था वैसे ही आ रहा है, दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, यानी कि यहां पर सबस्ट्रेट एस जो है, पहले वाले केस में जो मॉडिफिकेशन हो गए थे मेरे पास, केस में जो मॉडिफिकेशन हुआ है, यहां पर वो नॉर्मल तरीके से सबस्ट्रेट को बदल देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, यहां तक बात खत्म होगी।
सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन. ये काफी कॉमन होता है, मॉडिफिकेशन होते हैं और ऐसा होता है. बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, यानी कि बाद के दो केस या तो वो ये या ये पैदा करता है, तो मैं क्या देखता हूं, द फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड. फिनोटाइप अफेक्टेड हो सकता है. द फिनोटाइप ऑब्लिक ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील. अब जो है मेरे पास जो फिनोटाइप है या लक्षण है किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील. वो किस पे डिपेंड करेगा, जो मॉडिफाइड नहीं हुआ है. द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील. अब बात समझ में आई, कहानी कहां चल रही थी, देख लो बच्चों अब कहानी कहां से कहां घुमा दी. कॉन्सेप्ट हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, हमें समझना था डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है. तो उसने उस डोमिनेंस को किस तरीके समझाने की कोशिश की है, एक एंजाइम के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ठीक है. ऐसा एलील जो जीन्स नॉर्मल बना रहा है वो डोमिनेंट कहलाएगा, सिंपल सी बात है. वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कहलाएगा. ये तो बात बोल दी. द अनमॉडिफाइड, जो मॉडिफाइड ही नहीं हुआ है एलील, विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा बनाता था वैसा ही बनाएगा, उसको हम डोमिनेंट कहेंगे. एंड द मॉडिफाइड एलील, ये बिल्कुल मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा नीट का, कि बताओ मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड एलील में से कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसेसिव होगा, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड करके पूछेगा वो, ठीक है. तो जो मॉडिफाइड एलील होगा इज जनरली अ रिसेसिव एलील. तो क्लियर हो गया. अब पूरी कहानी पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कीवर्ड याद रखोगे, मॉडिफाइड हमारा रिसेसिव होता है, अनमॉडिफाइड हमारा डोमिनेंट होता है. क्लियर है. हेंस इन द एग्जांपल अबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम इज प्रोड्यूस. तो रिसेसिव ट्रेट क्यों आ रहा है, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम है या नो एंजाइम, या एंजाइम बन ही नहीं रहा है, ठीक है. तो यहां पर हम लोगों को बात समझ में आई किसकी, कि कौन सी चीज डोमिनेंट है और कौन सी चीज डोमिनेंट नहीं है. अब यहां पर जरा अगर एनसीईआरटी को गौर से देखें तो देखो यहां पर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यहां बात किसकी चल रही थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. तो ऑब्वियसली बात है, अब यहां पर देखो क्या हुआ होगा, यहां से हमको एक आइडिया लग सकता है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यानी कि कोई भी पूरी तरह से डोमिनेट नहीं है, यानी कि यहां पर दोनों ही एलील्स में कुछ ना कुछ क्या हुए होंगे, मॉडिफिकेशंस हो गए होंगे. बात समझ आ रही है, इनडायरेक्टली दोनों में ही थोड़े से क्या हुए होंगे, मॉडिफिकेशंस हुए होंगे, वो अपना ओरिजिनल वाले कैरेक्टर दिखा ही नहीं पा रहा है. क्लियर है, बात समझ में आ गई. तो ये कॉन्सेप्ट यहां, और यहां से जो इनडायरेक्टली बात उसने कहने की कोशिश की है कि ठीक है, इनडायरेक्टली बात कहने की कोशिश की है कि जो दो एलील होंगे यहां पर वो कैसे होंगे. अब खुद सोच के देखो, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये जो दो एलील है आरआर और आरआर, ये मॉडिफाइड होंगे अनमॉडिफाइड होंगे, सोच के देखो जरा इस बात को. क्लियर है बातें. तो यहां से हमको एक बात समझ में आ गई, जो मॉडिफाइड है वो रिसेसिव है, जो अनमॉडिफाइड है वो डोमिनेंट है. क्लियर, चले आगे. कोडोमिनेंस. अब बच्चों देखो, कोडोमिनेंस का मतलब होता है को मतलब साथ, है ना, को वर्कर जो साथ में काम करता है, और डोमिनेंस मतलब तू डोमिनेंट है तो मैं भी डोमिनेंट हूं, तू अपने कैरेक्टर दिखाएगा तो मैं भी अपने कैरेक्टर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा. ओके, तो कोडोमिनेंस मैं बात कर रहा था, को मतलब एक साथ, है ना, दोनों के दोनों अपने अपने कैरेक्टर को दिखाने की जिद करेंगे और दिखाएंगे भी. जो दो एलील्स होंगे दोनों अपने कैरेक्टर दिखा देंगे. तो यहां पर सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो हमारा ह्यूमन ब्लड का आता है. किसका आता है, ह्यूमन ब्लड को. तो आप इसको देख ले जरा, ह्यूमन ब्लड का समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे सर. ओके, अब देखो हमारा जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करूं मैं, अगर हम सबको पता है ह्यूमन ब्लड कितने होते हैं, तीन टाइप के या चार टाइप के. तो हमको पता है एक ए ब्लड ग्रुप होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, और एक ओ होता है. मैं पहले क्लियर कर दूं, जिस तरीके से हाइट पी प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी था, ह्यूमन ब्लड को कंट्रोल करते हैं तीन एलील्स. कितने एलील्स, तीन, एक आई ए, एक आई बी
और एक को मैं, या तो कुछ लोग ऐसे आई नॉट से डिपेंड करते हैं और कुछ लोग स्मॉल आई से करते हैं, डिपेंड करेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपना जो एनसीईआरटी है उसमें स्मॉल आई से डिपेंड किया हुआ है, तो हम भी इसको स्मॉल आई से डिपेंड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो है क्या स्मॉल आई का मतलब क्या हो गया, यह है रिसेसिव। अब रिसेसिव टर्म दो भाषा से समझ चुके हो तुम लोग, जो अपना कैरेक्टर शो ना कर पाए या जो मॉडिफाई हो चुका हो, ध्यान रखना। और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों होते हैं डोमिनेंट। अब ए वाला ब्लड ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, देखा हमेशा क्या हो जाएगा पेयर में होते हैं, तो ए के लिए क्या क्या कंडीशन बन गई, या तो दोनों उसके पास आई ए वाले एलील्स हो तो वो ए दिखा देगा, या दूसरी कंडीशन क्या है आई ए और आई ओ, तो ये तो रिसेसिव है, ये अपना कैरेक्टर दिखा देगा आई ए डोमिनेंट है। बी वाले केस में सेम केस आ जाएगा, या तो आई बी और आई बी हो और या आई बी और आई हो। अब देखो ए बी में क्या है, ए बी में आई ए और आई बी दोनों ही अपने अपने लेवल पे ताकतवर है, ठीक है ना, दोनों कोई किसी दबना नहीं चाहता। ए वाला भी अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, बी वाला भी अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, दोनों अपने कैरेक्टर दिखा ले जा रहे हैं, इसीलिए मजबूर में इसका नाम क्या रखना पड़ा ए बी। अब ओ जो है ना तो ये ए है और ना ये बी है, इसीलिए ये क्या है रिसेसिव, यानी कि स्मॉल आई और स्मॉल आई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, हम यहां पर अभी उसकी बात नहीं करेंगे, क्लास 11th में हमने यहां पर इसके एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कर ली थी। तुम लोग कोशिश ये करना इसके साथ साथ अगर उस वाले पार्ट को भी यहां पर ऐड कर लो तो अच्छी बात, फिलहाल यहां पर मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि क्लास 11th का पार्ट है, उसको वहीं पढ़ेंगे। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, किसके अंदर कौन सा एंटीजन होता है और किसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है ना, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो देखो यहां पर क्या है, ये चीज शो करती है कोडोमिनेंस, ये है एग्जांपल किसका कोडोमिनेंस का, ये किसका एग्जांपल है कोडोमिनेंस, मतलब दोनों साथ साथ अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं, कोई किसी से दब नहीं रहा है, शुद्ध भाषा में इसको ऐसे समझेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, तो आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं यहां पे। देखो ये टेबल ये दे रखी है यहां पर, ठीक है, एनसीईआरटी आपके पास खुली हुई है सबके पास। एलील फ्रॉम पेरेंट वन, मान लो दो पेरेंट्स हैं, है ना, एक मेल और एक फीमेल, जब गैमेट्स बनेंगे तो एक से मेरे को क्या आ रहा है, एक से आईए आया, दूसरे से भी आईए आ गया, तो क्या बना आईए आईए, ब्लड कैसा होगा ए। मान लो मेल ए है फीमेल आई बी है, तो यहां से क्या आएगा आईए आई बी, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ए बी। मान लो एक का आई ए है और एक का स्मॉल आई है, तो ये रिसेसिव ये डोमिनेंट, क्या बना ए। एक आई बी है दूसरा आई ए है ना, मान लो इस बार ये मेल है ये फीमेल है, ये मेल मान लो जस्ट एग्जांपल के तौर पे और ये फीमेल मान लो, तो एक बार ये मेल कैसा था ए था, इस बार मेल क्या है आई बी और फीमेल क्या है आई ए है, इस केस में भी क्या बनेगा ए बी बनेगा। ठीक है, आई बी है तो बी ब्लड ग्रुप, आई बी स्मॉल आई है बी ब्लड ग्रुप, और आई और आई है तो स्मॉल सॉरी ओ ब्लड ग्रुप। बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है। अच्छा यहां पे कई बार क्वेश्चन कैसे करेगा, इसमें कई बार क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, ये तो नोट कर लिया होगा वही बुक वाला ही है क्वेश्चन। देखो बच्चों इसमें ऐसा आता है कई बार, क्वेश्चन कहेगा वो कि मेरे पास ऐसे बोलेगा, वो बोलेगा हेटरोजाइगस ए मेल मैरी टू होमोजाइगस बी, बताओ बच्चों के ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या क्या। तो हेटरोजाइगस का मतलब दोनों आईए आईए नहीं होंगे, बात समझ में आ रही है। ये देखो ये क्या है होमोजाइगस, ये क्या है हेटरोजाइगस, कल सीख चुके हैं मतलब पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं हम लोग, ये क्या है होमोजाइगस, ये क्या है हेटरोजाइगस, ये तो हेटरो है। ए और बी में हम लोग होमोजाइगस हेटरोजाइगस की बात कर सकते हैं, इन दोनों में नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे तुम्हें सिंपल क्या करना है, फिर से क्या बना दोगे पुनेट स्क्वायर, मेल के पास क्या हेटरोजाइगस ए है ना, तो एक यहां से क्या बनेगा आई ए और एक क्या बनेगा आई, बात समझ में आ रही है ना, यानी सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहां पर, मेल क्या है आई ए आई होगा क्योंकि ये हेटरो है और ये होमोजाइगस बी है, तो ये क्या होगी आई बी और आई बी। जब गैमेट्स बनेंगे तो यहां से क्या गैमेट बनेगा आई ए और एक क्या बनेगा आई, और यहां से एक गैमेट क्या बनेगा आई बी और दूसरा भी क्या बनेगा आई बी। हम पूर्ण स्क्वायर में इसको सेट कर लेंगे,
आई बी और आई बी। अब देख लो यहां से क्या बनने वाला है, आई ए आई बी, यहां से क्या बनेगा आई बी आई, यहां से क्या बनेगा आई ए आई बी, और यहां से क्या बनेगा आई बी और आई। यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो ए बी होगा और या मेरे पास क्या होने वाला है बी होगा। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो बस इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, वो बोलेगा हिट होमोजाइगस ए होमोजाइगस बी, तब क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह के क्वेश्चन बोल के वो संभावना पूछ लेगा किसकी, ऑफस्प्रिंग की। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल होते हैं। बस ध्यान ये रखना है जो ए बी वाला है ये क्या दिखा रहा है, कोडोमिनेंस। यानी कि कोडोमिनेंस कौन सा पूछ लेता है, कोडोमिनेंस कौन दिखाता है, तो हमारा ह्यूमन ब्लड जो है वो क्या दिखाता है, कोडोमिनेंस दिखाता है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से समझ लें इसको, एनसीईआरटी क्या कह रही है। बाद में टॉपिक जो मैंने डिस्कस कर लिया है बस उतना ही है, वही सारी बातें अब यहां लिखी होंगी। टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रॉसेस, हमने जो अब तक डिस्कस करे हैं क्रॉसेस मतलब कौन से क्रॉस, ये वाले क्रॉस नहीं, क्रॉस अरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, जो ये वाले क्रॉस, इन क्रॉस की बात कर रहा है वो ये वाले क्रॉस, ठीक है। सोचो कौन सा क्रॉस है, वेयर द एफ वन रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द टू पेरेंट, है ना, जो हमने अब तक डिस्कस किए उसमें क्या हो रहा था, एफ वन रिजेंबल्ड कर रहा था या किया दोनों में से किसी एक पेरेंट्स को, किसकी वजह से, डोमिनेंस की वजह से, और वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी दो चीज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, डोमिनेंस डिस्कस हो चुका है और स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस हो चुका है। तो कह रहा है अब तक जो हमने पढ़ा है वहां पर क्या हो रहा है, जो F1 जनरेशन या तो डोमिनेंस शो कर रही है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रही है। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट, अंडरलाइन करेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो डोमिनेंस के लिए यहां पर एक टर्म नोट कर लेना, डोमिनेंस में क्या होगा, एफ वन रिजेंबल करता है आइदर ऑफ द पेरेंट, टू पेरेंट, ये लाइन याद रखना डोमिनेंट के साथ, इसको नोट भी कर लेना। डोमिनेंट में क्या होगा, जो एफ वन है वो आइदर ऑफ द टू पेरेंट, आइदर ऑफ द टू पेरेंट, ये क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों का अच्छा खासा, आइदर ऑफ द टू पेरेंट, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हम लोग इनकम्प्लीट, क्या है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें रिजेंबल क्या करोगे, क्या लिखोगे, इन बिटवीन, क्या टर्म दे रखा है, वो बीच में है, इन बिटवीन, ठीक है। अब आ जाए किसमें हम लोग, कोडोमिनेंस में, रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, को डोमिनेंस इसमें क्या कर रहा है, रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को क्या कर रहा है, ये रिजेंबल कर रहा है। तो कई बार ये उसमें भी आ सकता है, क्या कहते हैं, मैच द कॉलम, डोमिनेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंट, और बताओ कौन किसको मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन यहां से बिल्कुल क्रिएट हो सकता है, इसको अंडरलाइन करके नोट करेंगे। आगे आते हैं, अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुपिंग को हम लोग एबीओ कहते हैं, तीन टाइप के होते हैं ना, ए बी और ओ। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, जीन कौन सा है, आई है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन आने वाले हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल करता है, जीन आई, मार्क करेंगे इसको, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज सुगर पॉलीमर डेट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, प्रोट्रूड मतलब जैसे मान लो ये मेरा हाथ है और यहां से कोई चीज ऐसी निकल रही है, तो ये जो पेन की निब यहां से निकल रही है तो इसको मैं बोलूंगा प्रोट्रूड आउट, यानी कि सरफेस से निकलती हुई बाहर, जैसे ये मेरे हेयर है यहां से प्रोट्रूड आउट हो रहे हैं, क्लियर है। तो कह रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, समझना जरा बात को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अब मेम्ब्रेन तो पता है ना, सेल चैप्टर पढ़ लिया होगा अच्छे से, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये मत कहना ये भी नहीं पता, गधे बने रहो फिर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज अ सुगर पॉलीमर, जो सेल की मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर एक सुगर की पॉलीमर इस तरह से निकली हुई रहती है, सुगर की, ठीक है, फ्रॉम इट सरफेस, एंड द काइंड ऑफ सुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, एंड द काइंड ऑफ सुगर, वो किस प्रकार की सुगर होगी उसको कौन कंट्रोल करता है, जीन। द जीन आई हैज थ्री एलील्स, ये ध्यान रखना, जीन आई है उसके तीन एलील्स है, यानी कि अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। द एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द सुगर, व्हाई एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर, मार्क कर लेना इस बात को। आई ए और आई बी थोड़ी सी अलग अलग टाइप की सुगर प्रोड्यूस करेंगे, आई सुगर प्रोड्यूस करता ही नहीं है,
है ना, बात समझ में आ रही है? तो देखो यानी कि सारी कहानी इसकी कहां से शुरुआत हो रही है, आई सी, और ये मेरे पास कहां अटैच है, इसके सेल मेम्ब्रेन पर। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें? तो यहां से हम लोग देख सकते हैं साफ साफ। अच्छा, इसके बहुत अगर डिटेल में चले जाओगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सुगर लगी होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी नेम प्लेट की तरह होती है, यूनिक होती है, वो सब बहुत डिटेल की बातें हैं, हम वहां पे नहीं जाना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात समझ लेंगे हम लोग, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये लगा हुआ ना सुगर, यही है उसको क्या, हमारा जीन, जिसको ये हमारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जीन आई है, उसके तीन एलील्स होते हैं, आई ए और आई बी, ये सुगर बनाती हैं, थोड़ी सी अलग होती है एक दूसरे से, लेकिन जो आई है वो किसी भी टाइप की सुगर नहीं बनाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है। आगे आते हैं, ये लाइन नोट कर ली। बिकॉज ह्यूमंस आर डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पजेस एनी टू ऑफ द थ्री आई जीन्स एलील्स, ठीक है, ऑब्वियसली वाला डायप्लॉइड है तो कह रहा है ठीक है होगा किसी एक, तीनों में से कोई एक होगा। आई ए आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द आई, ठीक है, ये भी हमने सीख लिया, ये लाइन अंडरलाइन कर लेंगे। ये पूरी तरीके से डोमिनेंट है आई के ऊपर। इन अदर वर्ड्स, व्हेन आई ए एंड आई आर प्रेजेंट, ओनली आई ए एक्सप्रेस बिकॉज आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर। अब देखो यहां से क्वेश्चन आएगा, अब यहां पर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि इन ब्लड ग्रुप व्हेन आई ए एंड स्मॉल आई प्रेजेंट टूगेदर, वाई स्मॉल आई डू नॉट एक्सप्रेस इट्सेल्फ। तो पहला ऑप्शन होगा कि वो रिसेसिव है, ठीक, तुम लोग टिक लगा दोगे। दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, बिकॉज आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर, जो रिसेसिव लगाएंगे देखने में तो सही लग रहा है वो, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि ज्यादा करेक्ट कौन है, तो ज्यादा करेक्ट कौन है जहां पे वो बोल रहा है कि ये सुगर को प्रोड्यूस नहीं करता है, तभी तो रिसेसिव हुआ ना। इसका रिसेसिव होने की वजह कौन है, क्योंकि सुगर नहीं बना रहा है, तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, छोटी छोटी चीजें जो पकड़ के चलनी हम लोगों को। आगे आते हैं, ओके, तो बात समझ में आ गई, आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर, एंड व्हेन आई बी एंड आई आर प्रेजेंट, आई बी एक्सप्रेस बट आई ए एंड आई बी, ठीक है, यहां पे बात समझ में आ गई। जब आई ए और स्मॉल आई होगा तो आई अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब आई बी और आई होगा तो आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि आई तो सुगर बनाता ही नहीं है। बट When I and IB are present together, they both express their own types of sugar. ये दोनों अपने अपने type of sugar को express करते हैं, दिखाते हैं. This is because of co-dominance. Hence, red blood cells have both A and B types of sugar. ठीक है, इसलिए इसके पास दोनों type की sugars होती हैं. Since there are three different alleles, there are six different combination. तो कह रहा है क्योंकि three different alleles हैं, तो कितने combination बन सकते हैं? छह. कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? छह. तो बन गए यहां पर एक दो तीन चार पांच छह और सात. ज्यादा हो गया क्या? एक दो तीन चार पांच छह, एक मिनट, क्या बोल रहा है ये? सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील्स, देयर आर सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एलील्स दैट आर पॉसिबल, एंड देयरफॉर टोटल सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन एबीए ग्रुप टेबल 5.2. ओके, अच्छा ठीक तो है, ये वाला हमारे पास, ये वाले तो दोनों कॉमन ही हो गए ना, ये वाले इसको हटा दें अगर हम लोग, ये तो एक ही माना जाएगा ना भाई, ये क्या है, आई ए आई बी और आई ए आई बी है तो एक ही ना, तो टोटल सात है, लेकिन है कितने, छह, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, छह कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्लियर है बातें, चले आगे। ओके, अब वो कह रहा है हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, तो फिनोटाइप हमको पता है, ए होगा, ए बी होगा, बी होगा या ओ होगा, चार टाइप के फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, चार टाइप के, कौन कौन, ए बी, ए बी या ओ, जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन में छह टाइप के आ जाएंगे। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है, चले आगे। ठीक है, जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन, ये देखो जीनोटाइप, ये किसकी बात चल रही है, जीनोटाइप की, ये पहला, ये दोनों को मिला के दूसरा कर लें, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, तो जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन छह है और फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन चार है। क्लियर है बातें, ओके, ये हम लोग समझ चुके हैं और आगे आते हैं अब। ओके, अब हम बात करते हैं, यहां पर हम लोगों ने कोडोमिनेंस की बात कर ली। अब कोडोमिनेंस के अंदर ही एक और टर्म आया था हमारे पास, मल्टीपल एलील्स। चाहो तो यहां पर ऐसे लिख लेना, हेडिंग डाल लो अपनी, कि अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीपल एलील। एक बात तो क्लियर है कि कम से कम एक करेक्टर के लिए दो एलील्स तो होते ही होते हैं। अगर किसी एक करेक्टर को, जैसे कि ब्लड को, कितने एलील मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, तीन एलील, आई ए, आई बी और
स्मॉल आई। तो जब दो से ज्यादा एलील्स किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उसे, मल्टीपल एलील कहते हैं, खत्म कहानी। तो कह रहा है डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। यानी कि ब्लड ग्रुप दो बातें समझाता है हमको, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि ब्लड जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप शोज कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील बोथ ए एंड सी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना ये मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस ये दोनों चीजों को शो करता है। Here you can see that, यहाँ पे तुम देख सकते हो, there are more than two, that is three alleles, है ना, दो से ज्यादा है तो three alleles governing the same character. Same character मतलब blood, character क्या है यहाँ पे, blood है, ठीक है। Since in an individual only two alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studied are made. तो multiple allele obviously बात है, अगर किसी एक individual को देखोगे उसके अंदर दो ही allele मिलेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि alleles किसी एक character के लिए multiple है, जब हम किसको study करेंगे, पॉपुलेशन को, मार्क कर लेना इस चीज को। मल्टीपल एलील्स को समझने के लिए हमेशा हमको पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी, सिंगल इंडिविजुअल से हम पता नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है बातें, ये सब छोटी छोटी बातें हैं एनसीईआरटी की जो हमें समझनी है और याद करनी है। चलें आगे आगे आते हैं, कह रहा है ओकेजनली कभी कभार अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। एक जीन, सिंगल जीन प्रोड्यूस करता है एक से ज्यादा इफेक्ट, है ना। मान लो एक जीन, जस्ट एग्जांपल के लिए, कि एक जीन कलर भी डिसाइड कर रहा है और एक जीन हाइट भी डिसाइड कर रहा है, तो एक ही जीन क्या कर रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है, एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर देखो बिल्कुल एक अलग दुनिया में जा रहे हैं हम लोग, जो पीछे पड़ा अलग, यहां पर एक तरह का डाटा दे रहा है एनसीईआरटी, क्या दे रहा है डाटा, क्या डाटा है, स्टार्च सिंथेसिस को लेके बात करना चाहता है, वो भी कहां पर, पी सीड में, मटर के बीज में जो स्टार्च की सिंथेसिस, स्टार्च तो बनता है ना, फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च तो बनेगा, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, ठीक है। इट हैज टू एलील बी एंड बी, कहानी चल रही है अभी, यहां पर कहना चाह रहा है कि स्टार्च की जो सिंथेसिस होती है मटर के बीज में, वो एक जीन के द्वारा कंट्रोल कर किया जाता है और उसके दो एलील है, बी और बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी यानी कि होमोजाइगोट एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर उसके अंदर कैपिटल बी होंगे तो उसके अंदर स्टार्च के ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब अगर तुम देखोगे उसके माइक्रोस्कोप में तो स्टार्च के बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स दिखाई पड़ेंगे उसके अंदर। इन कंट्रास्ट इसके उलट, स्मॉल बी होगा तो लेसर एफिशिएंसी होगी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। तो स्टार्च ग्रेन होंगे कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। यहां तक उसने एक बात बता दी, अब क्या कहना चाह रहा है, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड, सीड जब मैच्योर हो गया, जो कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड बी बी सीड्स आर रिंकल्ड। तो देखो यहां पर कहानी कहां छुपी हुई है, स्टार्च के फॉर्मेशन में, स्टार्च खूब भर भर के है ना, जैसे ऐसे मान लो कि किसी पॉलिथीन में तुमने खूब चीजें भर दी है तो पॉलिथीन तन जाती है, टाइट हो जाएगी, और उसके अंदर कोई चीज भरी नहीं है तो सुकड़ जाएगी। सेम उसी तरीके से हम यहां पर इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड, बीबी वाला कैसा होगा, बिल्कुल फ्लैट होता है, एकदम टाइट होता है, राउंड होता है, और स्मॉल बी वाला कैसा होता है, रिंकल्ड हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, ये एक डाटा हो गया, ठीक है। यहां की लाइन में ऊपर बता रहा है कि कौन ज्यादा स्टार्च बनाएगा, दूसरे पॉइंट में बता रहा है कि कौन राउंड होगा, कौन रिंकल्ड होगा और क्यों होगा, ये बात हमको समझ में आ रही है स्टार्च बनने की वजह से। फिर कह रहा है हेटरोजाइगोट प्रोड्यूस राउंड सीड, जो हेटरोजाइगोट होता है वो भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, राउंड सीड को, एंड सो बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। तो इसलिए ये दिखता है कि बी क्या है, डोमिनेंट एलील है, ठीक है। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज इन बी एंड बी सीड, सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब बात को समझते जाना यहां पर, ठीक है, वो मल्टीपल एलील की बात खत्म कर दी यहां पर उसने, अब यहां पर क्या कह रहा है, सिंगल एलील अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। तो सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट है, सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट होता है, यहां मार्क करेंगे फिर से, थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सी मिस हो गई थी, सिंगल जीन नहीं, सिंगल जीन के प्रोडक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिंगल जीन जो प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमने साफ साफ देखा है कैपिटल बी क्या बना रहा है,
लार्ज स्टार्च ग्रेन, ठीक है ना। स्मॉल बी क्या बना रहे हैं, स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, अंडरलाइन करते हैं ना। एक कैपिटल बी एक लार्ज बी क्या बना रहा है, इंटरमीडिएट साइज का, यानी कि लार्ज और स्मॉल के बीच का बना रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको, अगर मैं स्टार्च के साइज को देखता हूं, तो ये मेरे को क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। कहानी समझ में आ रही है, ओके, बात समझ में आ गई। कहानी हमारी यहां बीच में फंस गई कि जो जीन का प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग इफेक्ट अपने दिखा सकता है। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि फिनोटाइपिकली देखेंगे अगर, तो कैपिटल बी स्मॉल बी वाला मेरा राउंड ही है, लेकिन अगर मैं इंटरनल चला जाऊं उसके स्टार्च ग्रेन के साइज को देखूं, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो यहां पे कह रहा है कि सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक से ज्यादा इफेक्ट दिखा सकता है। तो इफेक्ट दिख रहे हैं हमको, बड़ा छोटा और बीच का प्रोडक्ट के इफेक्ट दिख गए, उसकी वजह से हमको यहां पर राउंड रिंकल मिल रहा है। आगे आते हैं, कह रहा है देयरफोर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। कह रहा है इसीलिए डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। डोमिनेंस जो है, ऑटोनॉमस मतलब जो खुद कंट्रोल करे, ऑटोनॉमस मतलब जो खुद कंट्रोल किया जाए, सेल्फ कंट्रोल होता है। तो डोमिनेंस सेल्फ कंट्रोल फीचर नहीं है किसका, जीन्स का, और द प्रोडक्ट या उसके प्रोडक्ट का, डेट इट हैज इंफॉर्मेशन, जो कि उसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के लिए। तो बात को समझना, थोड़ी सी लाइन यहां पे क्या दे रखी है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर, ये ऑटोनॉमस सेल्फ कंट्रोल फीचर नहीं है ऑफ ए जीन का, जीन का सेल्फ कंट्रोल फीचर नहीं है, या और द प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट का ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, डेट इट हैज इंफॉर्मेशन, जिस प्रोडक्ट के लिए उसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फॉर दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। समझते हैं इस लाइन को, चलो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि शायद ये तुम लोगों को एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो बच्चों बात समझ लेते हैं हम लोग कि ऑटोनॉमस का मतलब क्या। ऑटोनॉमस एक तरह से होता है सेल्फ कंट्रोल, जो खुद अपने आप को कंट्रोल करे। यानी कि अगर हम अभी तक पीछे वाले उसमें चले जाएं, तो देखो टी और टी और टी और टी, इन दोनों केस में फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, बस एक कैपिटल जीन मतलब एक एलील टी मौजूद है और वो सब कुछ पूरी तरीके से क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यहां पर हम लोग कह सकते हैं ये चीज क्या है, ऑटोनोमस, यानी कि यहां पे जीन क्या हो गया, ऑटोनोमस, अकेला जीन पूरी चीजों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर बात आती है ऑटोनोमस की, ठीक है ना। तो ऑटोनोमस की बात यहां क्यों छेड़ी गई है, अभी हम जस्ट पीछे पढ़ चुके हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, यानी कि वहां पर हमने साफ साफ देखा कि जो आर था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, यह डोमिनेंट है बट उसके बावजूद पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हमने ब्लड ग्रुप में देखा कि आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट है, लेकिन पूरी तरीके से कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा हम बैक जाएं, अभी हमने समझा होता क्या है, रियलिटी क्या होती है कि जीन्स क्या बनाता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है, कैपिटल भी बड़े स्टार्च बना रहा है, छोटा भी छोटे स्टार्च बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इसका फिनोटाइप है, इसका डोमिनेंस है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं जीन्स, यानी कि यहां पर जीन के द्वारा पैदा किया गया प्रोडक्ट वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है किसके लिए, उसके डोमिनेंस के लिए। जीन खुद से सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जैसा कि हम लोग यहां देख पा रहे थे टॉल वाले केस में। यहां तो पूरी तरीके से क्या था, ये ऑटोनॉमस था, सब कुछ कंट्रोल कर रहा था कि मैं हूं तो टॉल ही होना है, कुछ और की गुंजाइश है ही नहीं। तो कोई यहां पर कर ही नहीं पा रहा है। स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों जब मिलते थे, ये वाला आर होने के बावजूद अपने कलर पूरी तरीके से शो नहीं कर पा रहा था, यानी कि यहां पर इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि वहां पे स्टार्च बन रहा था तो यहां पे कोई ना कोई और चीज बनेगी, तो वो उस प्रोडक्ट के द्वारा यहां पर क्या हो रहा है, कलर डिसाइड हो रहा है। यानी कि जीन होने के बावजूद, जीन नहीं उसके द्वारा होने वाला प्रोडक्ट। तो यहां पर बस सीधी सी बात यह है, अगर इसको मोटा मोटा समझने की कोशिश करें
कि डोमिनेंस जो ऊपर का अब तक पूरी समरी आ गई यहां पर, क्या आ गई है, समरी आ गई है। और ये समरी क्या कहती है कि डोमिनेंस जो है वो ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन नहीं है, जो अब तक हम समझते आ रहे थे। तो है क्या, और द प्रोडक्ट वो ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का या प्रोडक्ट का, डेट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, उस किसी प्रोडक्ट के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसका या जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है। किस पर डिपेंड करेगा ये, ये डिपेंड करता है एज मच एज ऑन द जीन प्रोडक्ट, जीन के द्वारा बनने वाले प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। कौन, डोमिनेंस, ध्यान रखना डोमिनेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, जीन के प्रोडक्ट पर, एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की वजह से जो पर्टिकुलर फिनोटाइप मिलेगा, यानी कि यहां पे हम लोग साफ साफ देख पा रहे थे बड़े लार्ज ग्रेन्यूल्स की वजह से क्या मिल रहा था, राउंड शेप आ रहा था, है ना, बड़े लार्ज ग्रेन्यूल्स की वजह से और छोटे वाले की वजह से रिंकल आ रहा था। तो प्रोडक्ट की वजह से फिनोटाइप डिसाइड हो रहा था, प्रोडक्ट की वजह से कौन डिसाइड हो रहा था, फिनोटाइप। तो वही चीज कहना चाह रहा है, इट डिपेंड्स ऑन जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप, ठीक है, फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। तो दो चीजों डिपेंड कर रहा है कि इस प्रोडक्ट की वजह से कौन सा फिनोटाइप आएगा, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा है कि फिनोटाइप कैसा हो रहा है। अब क्या कह रहा है, आगे यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस घुमा दिया, एज इट डज ऑन ए पर्टिकुलर फिनोटाइप, ठीक है, एज इट डज ऑन पर्टिकुलर फिनोटाइप, जैसा कि ये इफेक्ट दिखा रहा है किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप पे, डेट वी चूज टू एग्जामिन, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसको चूज कर रहे हैं एग्जामिन करने के लिए, ठीक है ना, हम जिसको चूज कर रहे हैं एग्जामिन करने के लिए, उसके ऊपर जो इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो अब यहां से एक बात ये समझ में आती है कि इनकेस, अब यहां से लाइन उसने पूरी बदल दी, इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, तो यहां पे साफ साफ कह रहा है जब एक जीन कई सारे इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, तो हम किसी एक फिनोटाइप को पकड़ के क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, हम किसी एक फिनोटाइप को पकड़ के क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तो हमें वो करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, कब, जब एक से ज्यादा फिनोटाइप शो किए जा रहे हैं। तो मोटा मोटा इसका सार ये है कि डोमिनेंस प्योरली जीन का ऑटोनोमस कैरेक्टर नहीं है, यानी कि जीन इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब अगर यहां पे क्वेश्चन आता है कि नॉन ऑटोनोमस फीचर, तो उसमें दो एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आईए और आईबी। यहां पर जीन क्या हो गया, नॉन ऑटोनोमस हो गया, टीटी वाले में हम कह सकते हैं वहां पर क्या था, ये ऑटोनोमस था, क्लियर है। तो पीछे की सारी इन्फॉर्मेशन इसने यहां पर निकाल दी है और इतने छोटे पैरा में निकाल दिया कि बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्लियर है बातें, चले आगे। ओके, तो देखते हैं अब आगे क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब कह रहा है कि दो जीन्स का इनहेरिटेंस, ठीक है, एक साथ अभी तक हम लोगों ने क्या कहा था, टॉल टॉल या वॉलेट वॉलेट या रेड रेड को कर रहे थे, अब यहां पर एक साथ दो जीन्स को हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट करवाएंगे, ट्रांसफर करवाएंगे। तो क्या कह रहा है, मेंडल आल्सो वर्क विद एंड क्रॉस पी प्लांट दैट डिफरेंट इन टू कैरेक्टर, यानी कि उसने इस बार क्या लिए, दो कैरेक्टर एक साथ लिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, दो करेक्टर एक साथ लिए। चलो मैं इसको पहले क्या करता हूं, तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, इस बार सात करेक्टर थे, पी के सात करेक्टर याद है ना, डोमिनेंट कौन कौन से था, राउंड और येलो, इसका जस्ट अपोजिट राउंड के अपोजिट कौन आएगा, रिंकल, और येलो का अपोजिट कौन आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। तो इसको मैं तुम लोगों को थोड़ा सा क्या करता हूं, पहले एक्सप्लेन करता हूं फिर इसको पढ़ता हूं, तो जल्दी इजिली समझ में आ जाएगा, आओ देखते हैं। तो यहां पर उसने क्या किया, मेंडल ने राउंड और येलो कलर का सीड लिया और साथ में सीड लिया रिंकल्ड और ग्रीन कलर का, ये था मेरे पास डोमिनेंट वाला पार्ट और ये था मेरे पास रिसेसिव वाला पार्ट, ठीक है, ये था मेरे पास डोमिनेंट वाला पार्ट और ये था मेरे पास रिसेसिव वाला पार्ट। अब देखो यहां पर क्या है, ये क्या है, राउंड और मतलब दो पेयर में रहते ना एलील्स, और येलो के लिए क्या लेंगे, कैपिटल के वाई वाई, और इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई, क्या ये बात देख पा रहे हो, यहां से तुम लोग क्या इसके गैमेट्स को अलग कर सकते हो, तो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, यहां से देखो गैमेट्स क्या बनेंगे, गैमेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां से एक निकलेगा R और यहां से एक निकलेगा Y, ठीक है, तो दो बन सकते हैं, हम दो बना लेंगे R Y R Y, यही बनेंगे जितने मर्जी बनेंगे, यहां से क्या निकलेगा
इन दोनों में से एक, क्योंकि दो है ना, टी टी में से एक टी निकलता था, ठीक है, आर, और यहां से एक निकलेगा वाई, और यहां से क्या निकलेगा, एक आर और एक वाई। तो हम लोग देख सकते हैं जो गैमेट्स बने मेरे पास वो क्या बने, आर वाई और आर वाई आर वाई। अब क्या होगा एफ वन जनरेशन के लिए, सिंपली क्या है, मैं क्रॉस करा दूंगा, तो क्रॉस यहां पे हम पूरे स्क्वायर नहीं बना रहा, डायरेक्ट करा दे रहा हूं, तुम किसी का भी क्रॉस करवा लो, यहां पर प्रोडक्ट मेरे पास क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। जब तुम किसी का भी क्रॉस कराओगे इन चारों केस में, मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, यानी कि एफ वन जनरेशन मेरे पास क्या आने वाली है, तो देखो इसको देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब में चेक कर लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब में यही आ रहा होगा, ठीक है। तो एफ वन जनरेशन में मेरे को सारे के सारे कैसे मिले, ऑल कैसे मिले, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक है ना। मैं बता दूं बच्चों यहां पर एक पार्ट हमारा खत्म हो गया है, ठीक है ना, उससे पहले जो चल रहे खत्म हो गए, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया 5.3, ठीक है ना, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, वो पार्ट निकल गया सारा, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो उधर खत्म हो गया। अब दो जीन्स का इनहेरिटेंस सीखने जा रहे हैं हम लोग, तो ये मत सोचना कि यहां से कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे कि हम लोग सिंगल, यानी कि वो क्या था, जब सिंगल हम लोग वो लेते थे टी और टी और टी और टी लेते थे, तो यहां पर एक ही कैरेक्टर लेते थे, इसको कहते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर ले रहे हैं तो इस क्रॉस को कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या कहा जाता है इसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है, ओके। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये एफ वन तो बन गया, उसके बाद क्या स्टेप होता है, एफ वन को हम लोग आपस में ही क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो समझते चलते हैं इसको, एफ वन को हम आपस में क्रॉस करा देते हैं, तो ये रहा मेरे पास आर आर वाई वाई को क्रॉस कराएंगे आर आर और वाई वाई से, ठीक है। अब देखो जरा गैमेट्स बना दो, जो उसने रिजल्ट देखा उसके हिसाब से जो गैमेट्स बनेंगे, अब देखो यहां से एक अलग होगा, अब यहां से जो एक अलग होगा, मान लो एक कैपिटल आर अलग होता है, तो डेफिनेटली वो या तो इससे मिलेगा या वो इससे मिलेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है, आर वाई की और आर वाई की। अब छोटा वाला जो आर है ये या तो इससे मिलेगा या ये इससे मिलेगा, तो और क्या पॉसिबिलिटी है, आर वाई और आर वाई की, ये चार पॉसिबिलिटी दिख रही है गैमेट्स बनने की, देख पा रहे हो, सेम यहां बनेंगी चार, आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, क्लियर है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो लोग बहुत अच्छे से देख लें, पहले हमने गैमेट्स बनाए सारे सेम सेम बन रहे थे, क्रॉस कराया साले सारे के सारे राउंड और येलो आए, अब इनको जब मैं आपस में क्रॉस करा रहा हूं एफ वन को, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहा हूं, किसकी, एफ वन की, तो मैं क्या देखता हूं यहां से गैमेट्स जो बने, ये क्या बने गैमेट्स, एक को मेल मान लो एक को फीमेल मान लो, गैमेट्स निकल के आए, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या है यहां पर, अब मैं यहां पर क्या बनाऊंगा, पूनेट स्क्वायर, कितने चार चार हैं, तो ऑब्वियस बात है चार कॉलम इधर और चार कॉलम इधर बनाऊंगा मैं, तो बना लेते हैं फटाक से, तुम लोग बिल्कुल ऐसी चार चार कॉलम बना लो, फिर मैं तुम लोगों से बोलूंगा जो काम करने के लिए, तुम लोग उस काम को करना, वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। अब देखो एक तरफ मेल के रख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे छोटा छोटा लिखना है इस बार, क्योंकि यहाँ पे कॉलम जब बनाओगे, ये क्या है आर वाई, ये क्या है आर वाई, ये क्या है आर वाई और ये क्या है आर वाई, ठीक है ना। एक बार खुद से बना लोगे तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लो अभी सीख लो इसको, ठीक है, और फिर एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ही बनाना। दूसरे लिख लेते हैं यहाँ पर आर वाई आर वाई आर वाई, सॉरी ये गलत हो गया, ये बड़ा ध्यान रखना, छोटा लिख रहे हो बड़ा लिख रहे हो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, आर वाई। अब देखो तुमको क्या करना है, मैं क्लियर बता दूं तुम लोगों को, अब देखो जा रहा है यहां पर, पता है ना कैसे करना है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे, तो देखो यहां पर क्या बनेगा, और छोटा लिखना क्योंकि मैं बताऊंगा तरीका कि पकड़ना कैसे कैसे क्या पकड़ना है, तो यहां पर छोटा लिखो, ये क्या बनेगा आर आर वाई और वाई, ठीक है, ये क्या बनेगा आर आर वाई और वाई,
चलो वीडियो पॉज कर लो और वीडियो पॉज करके बनाओ, तब तक मैं भी यहां बना रहा हूं, फिर बाद में तुम लोग क्या करना है इसको चेक करना, क्लियर है? और या देख लो फिर एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अब यहां पे क्या बनेगा, आर आर वाई और वाई, सॉरी ये भी कैपिटल है, बड़ा ध्यान रखना इस चीज का वरना मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा थोड़ा गैप मैं क्या छोटा लिखना, क्योंकि यहां पे मैं कुछ मार्क करवाऊंगा कि काउंटिंग कैसे करेंगे। और ये क्या है, आर आर वाई और वाई, क्लियर होगी बात? अब फटाफट करते हैं यहां पर, आर आर वाई और वाई, आर आर वाई और वाई, आर आर वाई और वाई, आर आर और वाई और वाई, ये क्या हो जाएगा, आर आर वाई वाई, आर आर वाई और वाई, ये क्या हो जाएगा, आर आर वाई वाई, ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या हो जाएगा, आर आर वाई वाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, क्लियर है? मैच हो गया सबका, ठीक है। अब देखो काउंटिंग कैसे करेंगे, सब लोग जरा यहाँ देखो गौर से, देखो यहाँ पर क्या है, जरा ये बताओ कैपिटल आर डोमिनेंट है यानी कि राउंड, कैपिटल वाई डोमिनेंट है यानी कि येल्लो, तो ये बताओ ये वाला बीच किसमें ग्रो करेगा, राउंड और येल्लो में, किसमें ग्रो करेगा ये, राउंड और येल्लो में। अब मेरे को रेशो चाहिए, एक क्या मिल रहा है मेरे को, राउंड और येल्लो मिल रहा है, राउंड और येल्लो वाले, चलो काउंट करते हैं राउंड और येल्लो वाले कितने हैं। तो देखो ये भी क्या है, राउंड येल्लो, ठीक है ना, इसको चलो मार्किंग करते हैं वन राउंड, और इसमें एक छोटा क्या फर्क पड़ता है, वाई डोमिनेंट है ना, राउंड येल्लो, ये भी क्या हो जाएगा राउंड येल्लो, ये भी क्या हो जाएगा राउंड येल्लो, ये भी क्या हो जाएगा राउंड येल्लो, ये देखो रिंकल हो जाएगा स्मॉल वाई ये नहीं आएगा हमारे मतलब में, ये आ गया राउंड येल्लो, ये स्मॉल वाई राउंड येल्लो नहीं होगा, ये राउंड येल्लो छः, ये राउंड येल्लो सात, ये रिंकल्ड हो गया स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर सात हो गया, ये आठ हो गया, और एक चीज मिस हो गई यहाँ पर कहीं पे, कोई चीज रह गई, टोटल नाइन होने चाहिए थे, आर 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 वाई, चलो उसको देखते हैं, एक दो तीन चार, अच्छा ये डबल लिख दिया, वही मैं कहूँ कहीं कहीं गड़बड़ होगी, ठीक है ना, ये देखो चार चार में डबल लिख दिया है, तो ये गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फोर, ये क्या आ जाएगा फाइव, ये क्या आ जाएगा सिक्स, ये क्या आ जाएगा सेवन, ये क्या आ जाएगा एट, और ये क्या हो जाएगा नाइन। तो राउंड और येलो टोटल मेरे को कितने मिले, नाइन मिले। अब जो हो चुके उनको छोड़ देंगे, कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, कलर ले लिया हम लोगों ने, चलो इस बार नीला ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है राउंड और वाई का मतलब क्या हो गया, रिंकल्ड है ना, येलो तो होगा नहीं, और सॉरी ग्रीन, वाई का मतलब ग्रीन, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लिखते हैं राउंड और क्या है ग्रीन, तो देखते हैं हमारे पास राउंड और ग्रीन कितने हैं, तो राउंड और ग्रीन कितने हैं, एक, राउंड और ग्रीन दो, और राउंड और ग्रीन तीन, तो कितने मिले हमको यहां पर, ये तीन मिले, तो राउंड और ग्रीन भी हो गए यहां सब कवर। अब देखो ये क्या है, रिंकल येलो, ये क्या है रिंकल्ड और येलो, तो रिंकल्ड येलो का काउंट कर ले हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, पीला कर लेते हैं, रिंकल्ड येलो वन, रिंकल्ड येलो टू, रिंकल्ड येलो थ्री, है ना, वन टू, तो टू कर लो इसको, थ्री कर लो, तो ये भी कितने मिले हमको, तीन मिल गए। लास्ट में क्या बचा, एक ही बचा, ये क्या है रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन, मैं ऐसा कर दे रहा हूं डब्ल्यू जी, जगह कम है यहां पर, ये कितने हैं मात्र एक। तो रेशो क्या आ गया फिनोटाइपिक का, नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन। तो बात समझ में आई कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, बच्चा इसको घबराता कि पता नहीं क्या है कि कैसे काउंट करें हमें, इस तरह से काउंट किया जाता है, थोड़ा छोटा लिख लो ऊपर जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं, ठीक है, और दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये रेशो अपने आप से याद हो जाएगा कि नाइन रेशो थ्री रेशो क्या है, वन है,
ठीक है ना। तो राउंड येलो के 9 होते हैं, बाकी दोनों के 3-3 है और रिंकल ग्रीन का मात्र एक ही निकलता है। टोटल कितने हैं? 16, 4 इधर 4 इधर, टोटल कितने हैं? 16। बात समझ में आ गई है? तो यहां से अब हम लोग कुछ बातें निकालेंगे, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। ये तरीका था करने का, और देखो यहां से क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे उसको हम लोग आओ देखते हैं और समझते हैं। पॉज करके वीडियो को खुद से वही जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। चले आगे, ओके। अब पढ़ लेते हैं यहां पर जो बातें मैंने वहां समझाई प्रैक्टिकल करके, वो बातें यहां पर लिखी हुई हैं। क्या कह रहा है? मेंडल आल्सो वर्क विद अ क्रॉस पी प्लांट दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर, ठीक है ना। दो कैरेक्टर थे, राउंड और येलो। अब हमको समझ में आएंगी सारी बातें। एज इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट हैज सीड विद येलो कलर एंड राउंड शेप, कलर कैसा है? येलो और राउंड शेप, एंड वन डेट हैड सीड ग्रीन कलर एंड रिंकल, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट पैरा पढ़ना, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज नहीं है जो नीट में आने लायक, जो होगी मैं उसको मार्क करके बता दूंगा। मेंडल फाउंड डेट, मेंडल ने पाया डेट सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट, क्रॉस करने के बाद जो सीड मिले हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप सीड, ठीक है ना। पहले मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, पहली जनरेशन में हमको सारे कैसे मिले? राउंड और येलो मिल गए, क्लियर है। तो वही बातें यहाँ पे बता रहा है कि पहली जनरेशन में सारे कैसे मिले? राउंड येलो कलर एंड राउंड शेप। हेयर कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टर इन द पेयर येलो और ग्रीन कलर एंड राउंड एंड रिंकल शेप वॉज डोमिनेंट? तो ऑब्वियस ही बात है, जो कैरेक्टर दिखाई पड़े हैं वही क्या है? डोमिनेंट है, यानी कि येलो और राउंड डोमिनेंट है, ठीक है। आगे आते हैं। दस येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर द रिंकल, साफ साफ बात होगी। अब यहाँ पे कुछ हमको यहाँ झोल करने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है पहले से। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross. ये वही रिजल्ट आया जो monohybrid cross के टाइम आया था, कि पहली जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट वाले कैरेक्टर शो कर रहे थे, रिसेसिव वाला एक भी कैरेक्टर शो नहीं हुआ था। बात समझ में आ गई? ओके। क्रॉसेस बिटवीन द येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट एंड बिटवीन राउंड एंड रिंकल सीड, यानी कि पहले उसने monohybrid cross में क्या किया था, येलो और ग्रीन को क्रॉस कराया था और राउंड और रिंकल को क्रॉस कराया था, तो वैसे ही रिजल्ट आ गया यहां पर। अब आगे आते हैं। लेट अस यूज द जीनोटाइपिक सिंबल वाई फॉर डोमिनेंट एंड येलो सीड कलर एंड स्मॉल वाई फॉर रिसेसिव। अब वो कह रहा है कैपिटल वाई डोमिनेंट येलो के लिए ले लो, स्मॉल वाई रिसेसिव के लिए ले लो, कैपिटल आर राउंड शेप के लिए ले लो डोमिनेंट के लिए, स्मॉल आर रिंकल शेप के लिए ले लो रिसेसिव के लिए। द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट कैन बी रिटर्न एज, अब जीनोटाइप हम कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट, अब जब क्रॉस करेंगे कैन बी रिटर्न डाउन एज इन फिगर 5.7, तो ठीक है। एनसीईआरटी ने भी हमको एक फिगर दिखा रखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि राउंड येलो ऐसा है, राउंड येलो ऐसा है, यहां से गैमेट जो निकल रहे हैं क्या निकल रहे हैं? RY RY, देख सकते हो RY RY हमारे गैमेट निकले यहां पर, ठीक है। क्रॉस कराया तो सारे के सारे कैसे आए? राउंड एंड येलो, क्लियर है बातें। अब यहाँ पे फिर वही पूनेट स्क्वायर जो मैंने बनाया वो इन्होंने यहाँ बनाया, इनका कैसा है? पतंग बनी हुई है, मैंने पूरा सा डब्बा ऐसे लुढ़का रखा है और ज्यादा अंतर नहीं है। बात समझ में आ गई है? यहां पे इन्होंने कलर भी दे दिया, अच्छी बात है, तो तुम लोगों को और समझने में आसानी हो जाएगी, क्लियर है बातें। तो बस यहां पे ये कह रहा है, यहां पर फिगर की बात कर दी इसने, कहां चला गया? ठीक है, फिगर 5.7 शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट। द गैमेट्स RY कैपिटल RY एंड स्मॉल RY यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड RR और YY, ठीक है। तो वही बात आ गई, पहला F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई आपस में क्या करेंगे? यूनाइट हो जाएंगे और कैपिटल आर स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनाएंगे। तो यहां पे वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने यहां एक्सप्लेन करी हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें अलग से यहां पर एनसीए उसके लिए नोट करना है, ठीक है ना। केवल प्रोसेस पता होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन कर ले जाओ इसके। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड F1 प्लांट, अब उसने क्या किया? F1 को सेल्फ हाइब्रिडाइज करवाया, ये F1 जनरेशन थी, इसको आपस में सेल्फ करवा दिया। तो he found that 3/4 of F2 plant had yellow seed, 1/4 had green, ठीक है। The yellow and green color segregated in a 3:1 ratio, round and wrinkle seed shape also segregated in 3:1 ratio, just like in monohybrid cross. Okay. अब वो क्या कह रहा है? When Mendel self hybridized the F1 plant, he found that 3/4 of the F2 plant, जो 3/4 plant था, ठीक है ना, had yellow seed. अब अच्छा, एंड 1/4 हैड ग्रीन, यानी कि हमें टोटल की बात कर ले अगर यहां पर,
तो टोटल की बात करें जैसे कि, चलो देखते हैं यहाँ पे, देखो जरा टोटल कितना है, 16 है ना, ये टोटल कितने हैं, 16 है ये। तो 16 में अगर मैं येलो सीट की बात करूँ तो येलो ये भी है और येलो ये भी है, तो 9 3 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 कैसे हैं, येलो कलर वाले हैं। बात समझ में आ रही है, रेशो निकाल लो जरा कितना आएगा। ये कितना आ गया, 3/4, कितना आ गया ये, 3/4। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है ये, फाउंड 3/4 ऑफ एफ टू प्लांट हेड येलो सीड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना कि किसकी बात कर रहा है, वो सिर्फ येलो को अलग से ले ले रहा है। तो तुम लोग भी यहां पर अब ये डाटा तुम्हारे लिए याद करने वाला है कि अगर येलो को केवल पूछ रहा है तो 3/4 है, ग्रीन की बात करें तो 1/4 है। ग्रीन देख लेते हैं, देखो ग्रीन कितने हैं यहां पर, ग्रीन 3 है और एक 4, तो 4/16 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात है, तो यहां पर कुछ इन्होंने अलग से इस तरह से दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी डाटा है तो इसको याद रखोगे। राउंड एंड रिंकल सीड शेप ऑल्सो सेग्रीगेट इन 3:1। ठीक है, राउंड और येलो भी किसमें, 3:1 में सेग्रीगेट हो रहे हैं, येलो एंड ग्रीन। अब येलो ग्रीन का रेशो कर लें तो कितना आ जाएगा, 3:1। इसी तरह राउंड येलो का कर लें तो कितना आ जाएगा, 3:1। तो ये क्या है, येलो और ग्रीन। तो यहां साफ साफ देख सकते हैं येलो कितने हो गए, 9 3 12, और येलो के बाद ग्रीन देख लें तो 1 4, है ना, 12 और 4 कितना रेशो आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है ना, 12 4 का रेशो 3:1 आ जाएगा। तो बस वही चीज बोल रहा है। तो यहां पर ये डाटा थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इसने अलग चीज बता रखी है, एक एक कलर को लेकर के बात कर रखी है। क्लियर है बातें, आते हैं आगे। ये इसने सारी बातें यहाँ डायग्राम करके दिखा दी हैं और डायग्राम को यहाँ पे हम डिस्कस अब कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये रेशो याद रखेंगे। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशो, याद रखना, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशो। कई सारी बुक्स में जीनोटाइपिक भी दे रखा है, बट एनसीईआरटी में नहीं है जीनोटाइपिक रेशो, तो उसको हम डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये जो क्रॉस हमने किया पीछे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले वाले लॉ से जो मेंडल ने किए थे, उससे दो लॉ निकल के आए थे, कौन कौन से था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहले वाले उससे मोनोहाइब्रिड से। डाई हाइब्रिड से एक निकल के आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहना चाह रहा है असॉर्टमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट, लिख लो इसको, दिक्कत आएगी नहीं तो बाद में। असॉर्टमेंट का मतलब अरेंजमेंट है, क्लियर है। अब ये कह रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि वो अपने मनमानी तरीके से अरेंज हो रहे हैं, कौन, आओ देखें कौन। इन द डायहाइब्रिड क्रॉस फिगर 5.7 द फिनोटाइप राउंड येलो रिंकल्ड येलो, राउंड येलो रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन अपियर्ड इन द रेशो 9:3:3:1। ठीक है, ये तो बात पता चल गई। सच ए रेशो वॉज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दैट मेंडल स्टडीड, कई सारे कैरेक्टर्स के लिए हमने यही पाया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द रेशो 9:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विद 3 राउंड 1 रिंकल। दिस डेरिवेशन कैन बी रिटर्न एज 3 राउंड 1 रिंकल 3 येलो 1 ग्रीन, है ना, जो हमने पीछे किया था 3:1 का, 9 राउंड 9 राउंड येलो रेशो 3 रिंकल्ड येलो 3 राउंड ग्रीन और 1 रिंकल ग्रीन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज बच्चों नोट कर लेना। यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है, राउंड रिंकल का रेशो 3:1 है येलो ग्रीन कलर वाइज, जो पीछे बताया था कलर वाइज रेशो बराबर है किसके, यहां पे इक्वल टू कर रखा है इन्होंने किसके, राउंड येलो के। अब देख लो येलो वाले कितने हैं, 3, और राउंड वाले कितने हैं, 3, और राउंड वाले कितने हैं, 3, तो राउंड वाले कितने कितने हो गए, येलो वाले कैसे हैं, राउंड है तो येलो है तो राउंड होगा, राउंड है ही तो राउंड 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 कितने हो गए, 9 हो गए। तो ये लिखने का तरीका है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाए क्योंकि यहां पे बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, वो लिख के दे देगा, पूछेगा क्या स्टेटमेंट ये सही है, या ऐसी लिख के 3 4 दे देगा लिख करके, और बोलेगा बताओ कौन सी सही है। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों यहां पर तुम लोग याद कर लेना अच्छे से। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। फिर कह रहा है बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डायहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स डिफरिंग इन 2 ट्रेट्स। ठीक है, यानी कि 2 ट्रेट लेने हमको, जैसे यहां पे हमने क्या ले लिया, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, ऐसे 2 करेक्टर लेने हमको।
तो उसने क्या कह रहा है, मेंडल प्रपोज्ड अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन में एक अपना व्यू दे दिया, एक हाइपोथेसिस दे दी, डेट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसने एक और लॉ प्रपोज किया, द लॉ स्टेट्स डेट, यहां से लॉ है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। यानी कि यहां साफ साफ कह रहा है, तो जैसे हम यहां पे बात करें आर आर और वाई और वाई है, तो देखें यहां पे क्या बोल रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ, सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, इसका जो सेग्रीगेशन होगा कि आर आर का जो अलगाव होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, को कह रहा है यहां पे, इसको ऐसे समझ सकते हैं फर्क, अगर जब ये अलग होंगे ना तो ये इंडिपेंडेंट है, ये वाला आर यहां भी जा सकता है, ये वाला आर इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई या स्मॉल वाई किसी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसी के साथ भी जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है, यही हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अपनी मनमानी है, अपने मनमाने तरीके से अरेंज होंगे, खत्म कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे आते हैं, क्या कह रहा है अभी, द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर। कह रहा है पुनेट स्क्वायर को हम लोग यूज कर सकते हैं इसको समझने के लिए, ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पोलन इन एफ वन आर आर वाई वाई पोलन प्लांट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन आर एंड आर। अब वो इसी चीज एक्सप्लेन कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर को क्या करना है, हमें अलग कर रहा है, 50% ऑफ द गैमेट हैव द जीन आर एंड द अदर 50% हैव आर स्मॉल आर, नाउ बिसाइड ईच गैमेट हैविंग आइदर आर और स्मॉल आर। अब कह रहा है गैमेट में या तो स्मॉल आर होगा या कैपिटल आर होगा, इट शुड आल्सो हैव द एलील कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर एंड 50% स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% वाई एंड 50% स्मॉल वाई। तो यहां पर सीधी बात यह होगी, इसको इस बुक की तरीके से समझें, ये जो अलग हो रहे हैं इनका अलग होना इस वालों के अलग होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा समझ ले, ये वाला पेयर जो अलग होगा और ये वाले पेयर जो आपस में अलग होंगे एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई, या हम यूं कह ले ये वाला कैपिटल आर किसी के साथ भी आगे जाके मिक्सअप कर सकता है, क्योंकि 50-50% चांस है, चाहे इसको ऐसे पकड़ लें कान को चाहे वैसे पकड़ लें, बट जो एनसीईआरटी में लिखा है वैसे पकड़ो ज्यादा अच्छा है, समझने के लिए ये ज्यादा अच्छा है कि ये वाला आर किसी के साथ भी जा सकता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, बट एनसीईआरटी के हिसाब से यही 50% है, यही 50% है, यही 50% है, यही 50% है, तो वो किसी के भी साथ जा सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, दस देयर आर फोर जीनोटाइप। तो यहां पे इसलिए फोर जीनोटाइप बन सकते हैं, कैपिटल आर किसी भी वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल आर किसी वाई के साथ जा सकता है, इसीलिए चार टाइप के गैमेट्स पॉसिबल हैं, ईच विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, यानी कि सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25%, ऑब्वियसली बात है सब आधे आधे हैं तो सबकी संभावना 50% रहेगी, और चार में डिवाइड कर देंगे टोटल को 100 मान लेंगे तो सबका कितना आएगा 25 25 25, यानी कि 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस, यानी कि जो आर वाई होगा वो टोटल गैमेट्स का 1/4 होगा। बात समझ में आ गई है ना। अब हमारे में क्या होता है, ह्यूमंस की बात कर लें, जो मेल एक्स बनाएगा, एक्स वाले और वाई वाले, अब दो ही हैं, टोटल 100 मान लो तो ये 50 होंगे, ये 50 होंगे, यहां टोटल कितनी संभावनाएं बनी, चार, तो 1/4 हो गई। ठीक है ना, आगे आते हैं, व्हेन यू राइट डाउन द फोर टाइप्स ऑफ एग्स एंड पोलन ऑन टू साइड्स ऑफ पोनेट। देखो एग मतलब फीमेल और पोलन मतलब मेल, तो कह रहा है जब एग और पोलन को टू साइड्स ऑफ पोनेट स्क्वायर, है ना, पोनेट स्क्वायर में एक तरफ क्या लिख रहे हो, एग लिख रहे हो, ये देखो गैमेट, ये वाला सिंबल किसका है और ये वाला सिंबल किसका है, ये मेल और ये फीमेल, यानी कि इसको हम कह लूं एग और इसको कह लूं क्या, पोलन, तो कंफ्यूज नहीं करना है ना, इस लैंग्वेज में वो नीट में ही पूछ सकता है एग पोलन करके, इसलिए मैंने समझा दिया इसको, और कोई दिक्कत नहीं है। द टू साइड्स ऑफ पोनेट स्क्वायर इट इज वेरी इजी टू ड्राइव द कंपोजिशन ऑफ द जायगोट। अब काफी आसान हो जाता है कि हम पूरा उसे ऐसे लिख लें, जायगोट सारे मिल जाएंगे, देखो कितने सारे जायगोट मिल गए, एक जायगोट ये है, एक ये सब क्या है, जायगोट है, ध्यान रखना ये गैमेट्स दोनों से फ्यूज होके ये क्या बन रहे हैं, जायगोट बन रहे हैं, क्लियर है, ठीक है, ओके। ऑल्दो देयर आर 16 स्क्वायर्स, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर फॉर्म्ड, तो काउंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, नोट देम डाउन इन द फॉर्मेट गिवन, कैन यू यूजिंग द पुनेट स्क्वायर डाटा वर्क आउट द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 स्टेज एंड फिल इन द फॉर्मेट गिवन, इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑल्सो 9:3:3:1, तो जीनोटाइपिक फाउंड इन F2 देयर एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। अब यहां पर कह रहा है ये वर्क करने को कह रहा है, जीनोटाइप फाउंड इन F2, अब जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं
F2 में। तो देखो बच्चों जब यहां पे इसने बोल दिया है तो थोड़ा सा वर्क हम लोग यहां पर कर लेते हैं। क्या वर्क करना है जीनोटाइप का, जैसे कि इसको ले ले, अभी समझ में आ रहा है कि अपना पीछे वाला लेके चले, यही चीज है पीछे भी आर आर वाई वाई ऐसे का झुका रखा है, ठीक है ना। तो एनसीआरटी वाला लेके चलते हैं। अब देखो जरा कैपिटल आर जीनोटाइप की बात करनी है हमको, तो हम देखेंगे कैपिटल आर और वाई वाई वाले कितने हैं, काउंट करो जरा कितने हैं कैपिटल आर वाई वाई वाले, एक, उससे ज्यादा कोई है नहीं, वन। फिर आते हैं आर आर और वाई वाई, ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। अब ये काउंट कर लो, आर आर वाई वाई एक, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई दो, और कोई है और कोई नहीं है ना, ठीक है। इसे कितने बने, ये दो बन गए। इस तरीके से जीनोटाइपिक रेशो मांग रहा है वो, बात समझ में आई। तो स्मॉल आर वाई वाई का एक ही आएगा, और आर आर वाई वाई के जितने जीनोटाइपिक रेशो हैं सबके अलग अलग लिख करके उसने बस ये बोल रखा है यहां पर, जीनोटाइप फाउंड इन F2, इसके क्या बना लो रेशो को लिख लो इसको, देयर एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, और उनका एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या होगा। अब एक्सपेक्टेड फिनोटाइप तो हमको पता है, ये भी क्या है राउंड येलो, ये भी क्या है राउंड येलो, ठीक है ना। तो यहां से ही एनसीईआरटी हमको सारी बातें कह देना चाहती है। अब तक हमने समझा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है। अब बात आती है कि यहां तक तो चलो बातें समझ में आ रही है कि हमें समझ में आ गया जीन्स नाम की चीज है, हर एक चीज है। अब यहां से टॉपिक एकदम चेंज हो रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वो अब जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार भाई कहानी तो यही चल रही है कि आखिरकार ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, ठीक है। यहां तक सारा एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जनरल बातें हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये चीज ट्रांसफर कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे ट्रांसफर हो रही है, सबसे पहली थ्योरी आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि हमारे पास मियोसिस हम लोग देख सकते थे, जीन्स हमको दिखते नहीं थे, और सेल के डिवीजन के टाइम पे हमें एक ही चीज दिखाई पड़ती थी, और जो सेपरेट होती थी वो चीज क्या थी, क्रोमोसोम। तो मोटा मोटा आइडिया लग गया कि कुछ तो चीज है जो या तो खुद क्रोमोसोम या क्रोमोसोम के ऊपर कोई चीज है जो इसी टाइम पे क्या होती है, सेपरेट होती है, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे हमें कुछ और चीज दिखाई दे नहीं रही थी। जिस समय तक ये चीजें चल रही थी बातें, उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें क्रोमोसोम तो सेपरेट होते हुए दिख जाते थे माइक्रोस्कोप में, लेकिन आगे की बातें समझ में नहीं आती थी। तो थ्योरी बन गई क्रोमोसोम के ऊपर। देखें क्या कह रहा है, मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865, ये डेट याद रखेंगे, वैसे पूछी नहीं जा रही लेकिन याद रखेंगे। बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। ये देखो कहानी क्या, एक्चुअली ऐसा हुआ क्या था कि 1865 में इन्होंने अपना काम किया और दुनिया भर के साइंटिस्ट के पास भेजा, लेकिन उस समय एक बवाल खड़ा हो रखा था, और बवाल था वो डार्विन का। डार्विन जो अपना जर्नी करके आए थे, और जर्नी करके उन्होंने एक थीसिस दे दी थी कि हमारे पूर्वज कौन है, बंदर है। अब उस पर मच गया बवाल, ठीक है ना। तो वो कहीं बवाल के बीच में इनका ये वाला काम का जो उपलब्धि थी वो दब गई, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि पब्लिश तो कर दिया था, लेकिन इनको जो पहचान मिली वो 1900 के बाद मिली, क्योंकि एक दूसरी चीज ने इनकी उपलब्धि को दबा दिया। ओके, अच्छा, उस टाइम पे एक चीज और भी हो रही थी, कुछ अदर साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे, उनको कोई बहुत ज्यादा अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि शायद इसमें इनका रिजल्ट भी कोई बढ़िया नहीं होगा। आगे आते हैं, फर्स्टली सबसे पहले कह रहा है कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। अच्छा चलो, यहां रीजन भी दे रहा है ना, मेंडल ने जो अपना काम किया वो 1900 तक पब्लिश क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन दे रहा है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट इज नाउ, उतना आसान कम्युनिकेशन नहीं था अपनी बात किसी तक पहुंचाना। आजकल क्या होता है, कोई साइंटिस्ट काम करता है, मैगजीन में पब्लिश हो जाती है, वो नेट पर डाल दी जाती है रिसर्च को, तो सबके पास पहुंच जाती है। अब आसान हो गया, पहले उतना आसान नहीं था, ठीक है। इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज, उसको वाइडली पब्लिसाइज नहीं किया जा सका। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर इन मेंडल्स वर्ड, जीन कहा जाए या मेंडल के टर्म में फैक्टर कहा जाए, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड फॉर द पेयर ऑफ एलील व्हिच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्परेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द एपरेंटली, अच्छा लंबा लाइन डाल दी है, कंटिन्यूस वेरिएशन एज सीन इन नेचर। हुआ क्या, दिक्कत क्या थी, सेकंड वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर या जीन को एज ए स्टेबल, उसने क्या कहा था, जीन एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट मतलब खुद अपने आप में एक अलग थलग है और कंट्रोल करती है चीजों को।
यूनिट डेट कंट्रोल, जो कंट्रोल करती है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, हमारे लक्षणों को ट्रेट को कंट्रोल करती है, ऑफ द पेयर ऑफ एलील, और उसके एलील्स होते हैं विच डिड नॉट ब्लेंड, वो आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं। उसने क्या कहा था, टी और टी होगा तो या तो पूरा टी बनेगा या स्मॉल बनेगा, बीच में नहीं आएगा, यानी ब्लेंडिंग नहीं थी यहां पर। विद ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज, कंटेम्प्रेरीज का मतलब उसके साथ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसका रीजन क्या था, जो दूसरे साइंटिस्ट भी इसके ऊपर काम कर रहे थे ना, उन्होंने जो कैरेक्टर चुने थे उन कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग, लिंकेज, काफी सारी चीजें और देखने को मिल रही थी। इत्तेफाक था मेंडल के साथ कि उनको दूसरी चीजें दिखाई नहीं दी जिसकी वजह से वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाए। अगर उनके काम में भी ब्लेंडिंग और ये सब दिख जाती तो शायद वो भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, किसी अच्छे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। खैर, उनके जो साइंटिस्ट मित्र थे जो दूसरी अदर कंट्रीज में कहीं पे थे, उनको ब्लेंडिंग वगैरह सब दिख रही थी तो उन्होंने इनके काम को तवज्जो नहीं दी। अच्छा, ब्लेंडिंग की वजह से पर्टिकुलर किसी निष्कर्ष पे नहीं निकल पा रहे थे। अभी हम लोग डोमिनेंस, सेग्रीगेशन ये सब निष्कर्ष निकाल लिए, ये अगर मिक्सिंग हो रही होती, पहले मिक्सिंग दिख जाती तो हमको डोमिनेंस वगैरह समझ में नहीं आता फिर। ठीक है, एज एन एक्सप्रेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर, तो कह रहा है जितना ज्यादा वेरिएशन है नेचर के अंदर उसके हिसाब से उनके जो साथी लोग थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। थर्ड बात, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना, इन्होंने क्या लगा दिया, मैथमेटिक्स लगा दी थी, ठीक है ना, वो भी बायोलॉजी में, वॉज टोटली न्यू, वो पूरी न्यू थी और अनएक्सेप्टेबल। वो कहते हैं बेवकूफ इंसान है करके कि बायोलॉजी में मैथ्स लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है। तो वो क्या था, एक्सेप्टेबल नहीं था टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ये गवारा नहीं था कि बायोलॉजी में तुम मैथ्स लगा रहे हो। ठीक है, तो तीसरी बात ये आ गई। फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड डेट, फाइनली मेंडल के वर्क ने सजेस्ट किया डेट फैक्टर या जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, वो अल्टीमेटली कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर और से व्हाट दे वर मेड ऑफ, कि वो फैक्टर क्या है, कैसा एग्जिस्टेंस है उसका और वो किसके बने हुए होते हैं, ये सब बातें मेंडल नहीं बता पाए थे। ठीक है, उनको लक्षण तो दिख रहे थे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो ये चार कारण तुमको बच्चों पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ जाएंगे, कि मेंडल का वर्क 1900 तक रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पाया। क्लियर है, अब आगे आते हैं 1900 की बात करते हैं। इन 1900 थ्री साइंटिस्ट डिवरीज, कोरेंस एंड वॉन टेशमार्क, मार्क इनको लाइन को अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को, तो ये तीन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। अब होता ना साइंटिस्ट लोगों को थोड़ा सा रहता है कि अच्छा चलो यार किया है किसी बंदे ने तो लाओ हम भी कर ले, तो इन तीन साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग किया, मेंडल का वर्क तो था उनके पास, रिजल्ट वगैरह सब कुछ था, अपने मेंडल के वर्क को इन्होंने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, फिर क्या हुआ, रीडिस्कवर किया द्वारा से, ये रीडिस्कवर वर्ड को मार्क कर लेना। ओके, ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, अब माइक्रोस्कोपी में भी थोड़ी सी क्या आ चुकी थी, एडवांसमेंट आ चुकी थी, डेट वर टेकिंग प्लेस साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिविजन। अब इस टाइम तक आते आते साइंटिस्ट सेल डिविजन को बहुत अच्छे से देख पा रहे थे, तो देखो टेक्नोलॉजी बड़ी तो चीजें थोड़ी सी आसान हुई, सेल डिवीजन अब हमको क्लियर कट दिखाई देने लगा, समझ में आने लगा था। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, अब इसने क्या किया, खोज करी किस चीज की, न्यूक्लियस की, ठीक है, स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस डेट अपीयर टू बी डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, यानी कि आज हम जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, अब माइक्रोस्कोपी थोड़ी सी एडवांस हो चुकी थी, अब हमको न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डिवाइड होता हुआ, अलग होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। ठीक है, दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम, इसको हम लोग अब क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम यानी कि कलर्ड बॉडीज, हम लोग इसको डाई करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कलर ले लेती थी, तो इनका नाम पड़ गया क्रोम मतलब और जोम मतलब होता है बॉडी, तो कुछ ऐसी बॉडीज जो कलर को ले लेती हैं, तो नाम पड़ गया क्रोमोसोम, एज देवर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग, जो साफ साफ कह रहा है, स्टेन मतलब पता है ना हम लोग माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल को देखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कलर के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बाय 1902, यहां पे डेट्स बहुत सारी दे रखी हैं, ध्यान से इनको याद रखना, द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट, क्रोमोसोम का मूवमेंट जो था मियोसिस के दौरान उसके ऊपर काम हो चुका था, मतलब समझ चुके थे हम लोग उसको, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बवेरी, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सटन एंड बवेरी, क्या नाम देते हैं सटन एंड बवेरी, नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स
लॉ। उन्होंने क्या कहा कि मेंडल जो बातें कर रहा है ना, वो सेम जिस तरीके से क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं, सेग्रीगेशन की बात करी, क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, क्रोमोसोम भी आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, सारी बातें बिल्कुल क्रोमोसोम के बिहेवियर से क्या कर रही थी, मैच खा रही थी। किसने नोटिस किया? सटन एंड बवेरी ने। ध्यान रखना दो चीजें अलग हैं। रीडिस्कवर किसने किया था? तीन साइंटिस्ट, डिवरीज, कोरेंस और वॉन टेस्टमार्क। इसको तुम्हारा कहेंगे बाद में कि क्रोमोसोम थ्योरी देने के लिए कौन आ गए थे? सटन एंड बवेरी। ये दो साइंटिस्ट अलग अलग, वो अलग अलग हैं ये पांचों। आगे समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम का वर्क बिहेवियर बिल्कुल पैरेलल था मेंडल के वर्क से। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस। कह रहा है याद करो, तुम पढ़ चुके हो क्रोमोसोम का बिहेवियर ड्यूरिंग माइटोसिस चैप्टर नंबर 8 में, क्लास 11 की बायोलॉजी में। ठीक है, जिनको नहीं पता वो यहां पर इसको जाकर क्या कर लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जिससे कि टॉपिक और अच्छे से समझ में आ गए। इक्वेशनल डिवीजन है ना, क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड होते हैं, 46 होंगे तो 23 इधर और 23 इधर, ओके। एंड ड्यूरिंग मियोसिस, अच्छा माइटोसिस में इक्वल आता है, ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि आधे हो जाते हैं, 46 के आधे आधे हो जाते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स ऑकर इन पेयर। दोनों के दोनों किस में हो रहे हैं? पेयर में हो रहे हैं। द टू एलील्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या कह रहा है, टू एलील्स ऑफ जीन पेयर, जो दो एलील्स होते हैं जीन पेयर के, आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस पता है ना क्या होते हैं? होमोलोगस याद है? भूल गए? ये क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और होमोलोगस जो इसके साथ में पेयरिंग करते हैं, ये याद आ रहा है ये? ठीक है ना, दो जो जीन्स होते हैं जो होमोलोगस पेयर बनते हैं। पढ़ लो जाके माइटोसिस, सिर्फ बता रहा हूं, यहां पूरा प्रोसेस में बता नहीं सकता अभी। होमोलोगस क्या बोल दिया इसने, जो दो एलील होते हैं जीन के पेयर के, आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट, जो साइट उनकी होमोलोगस है, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स और होमोलोगस साइट पर मौजूद रहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ भी कर रहा है, आओ देख लें। मैं फिर कह रहा हूं, ये होमोलोगस, ये टर्म जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक ये होमोलोगस क्रोमोसोम को नहीं समझोगे, तो माइटोसिस वाले चैप्टर से होमोलोगस टर्म को वापस से क्लियर कर लेना है। ये टर्म बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। कह रहा है जी1 फेज, जी2 फेज है ना, बाइवेलेंट, मेटावेलेंट, ये क्या बन गया? टेट्रा बाइवेलेंट बन गए। फिर मियोसिस 2 हुई, एनाफेज आया, जर्म सेल्स, ये चारों अलग अलग हो गए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ये? ठीक है ना, तो इस तरीके से ये यहां पर क्या है, शॉर्ट फॉर्म में हमको मियोसिस दिखा दी गई है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, मियोसिस एंड जर्म सेल्स फॉर्मेशन इन सेल विद 4 क्रोमोसोम। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म। क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो जा रहे हैं और ये फाइनली जर्म सेल्स बन रहे हैं। तो एक तरह का छोटा सा उसने क्या करवा दिया, यहां पर रिवीजन करवा दिया है। क्लियर है? चले आगे। अब यहां पर वो क्या कह रहा है, अ कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड अ जीन। ठीक है, तो जरा गौर से देखो क्या कह रहा है। ए और बी ऑकर इन पेयर, ऑकर इन पेयर, सेग्रीगेट एट द, यानी कि जोड़े में होते हैं, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। दोनों पेयर में से एक कहां जाएगा? गैमेट में जाएगा। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। ठीक है, ओनली वन ऑफ ईच पेयर, दोनों पेयर में से कोई एक कहां जाएगा? गैमेट में जाएगा। ये दो बातें बच्चों एकदम एग्जैक्टली दिखाई पड़ रही दोनों में। तीसरी बात करें तो क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट पेयर, यहां से देखो बात समझ, इंडिपेंडेंट मतलब जो पेयर इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, ठीक है, सेग्रीगेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बिना कुछ एक दूसरे को जाने पहचाने अपना अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर। एक पेयर क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर। क्या यहां पर तुम लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो यहां पर कह रहा है एक पेयर अलग हो रहा है इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर, फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे पेयर का अलग हो रहा है। यहां पर वो ये जो पेयर है, यहां पेयर बोल रहा है, यहां पर इन पेयर को उसने इंडिपेंडेंट बोल दिया है। बात को समझना, यहां पर पेयर इंडिपेंडेंट है, यहां पर बोल रहा है एक पेयर सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर, यहां पर पेयर इंडिपेंडेंट नहीं है और यहां पेयर कैसा है, इंडिपेंडेंट है। पेयर इंडिपेंडेंट होने का मतलब पेयर स्वतंत्र है, यहां पेयर क्या है, स्वतंत्र नहीं है, यानी कि
एक ही क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहता है जनरली, यहाँ पर इसके ऊपर क्या रहते हैं, जीन्स रहते हैं ये इस तरीके से, ठीक है ना, क्या रहते हैं ये, जीन्स रहते हैं। तो ये देख लो, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये अलग अलग नहीं है, है तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये एक बहुत छोटा सा लाइन है, तो ए वाला पार्ट क्या बनेगा हमारा, क्रोमोसोम, और बी वाला पार्ट क्या बनेगा, जीन्स। ए वाला पार्ट क्या बन जाएगा, क्यों ये ऐसा मैं कह रहा हूं, देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे पेयर इंडिपेंडेंट है, यानी कि सारे सारे क्रोमोसोम के पेयर अलग अलग होते हैं। तो एक ये लाइन है एक्चुअली, यहां पे छोटा सा इंग्लिश की लैंग्वेज का खेल है बोलने का और बताने का, ठीक है, अदरवाइज सब कुछ क्या लग रहा है, सेम सेम लग रहा है, क्लियर है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस वन, एनाफेज ऑफ मियोसिस वन द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, कह रहा है एनाफेज के टाइम। अब यहां पे देखो बच्चों, वही सारी बातें हैं, जिसको मियोसिस आती है उसको यहां पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वही चीज बता रहा है, एनाफेज के टाइम मियोसिस वन में जो क्रोमोसोम होते हैं अलाइन एट द मेटाफेसिक प्लेट, है ना, क्रोमोसोम अपने आप को यहां पे अलाइन कर लेते हैं, याद आ रहा है, ठीक है, इनडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इनडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, देखो यहां पे साफ साफ बोल रहा है, इनडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। फिगर 5.9, टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ फोर डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम, इन द लेफ्ट कॉलम, और यहां कॉलम लेके समझाने की कोशिश कर रहा है, समझते हैं उसको अभी, फिर क्या कह रहा है, इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम, इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी वन, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेट टूगेदर, ठीक है, ऑरेंज और ग्रीन क्या हो रहे हैं, एक साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है, बट इन द राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी टू, द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम, जो ऑरेंज है वो सेग्रीगेट हो रहा है किसके साथ, रेड वाले के साथ। तो क्या कहना चाह रहा है ये, यहां पे दो हमारे पास संभावनाएं हैं, तो देखो यहां पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल वाली बात आ गई है उसको समझते हैं, क्या कह रहा है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, ठीक है, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट सेम पोल, ये लोग एक ही पोल पे हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहां पर, इसका जो ये वाला पार्ट है वो या तो ऑरेंज के साथ जाएगा या ये येलो वाले के साथ चला जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हो सकता है ना कि भाई ये वाला क्रोमोसोम है इसके साथ, जैसे मान लो हमारे पास, एक छोटी सी बात बोलूं, मेरे पास हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम है, तो भाई डिपेंड करेगा ना कि पहला वाला दूसरे के साथ जा रहा है कि पहला वाला चौथे के साथ जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो वैसे ही ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ जाए या इसके साथ जाए वो इंडिपेंडेंट है। तो उसी बात को यहां समझाने की कोशिश कर रहा है, दो संभावनाएं हैं, ग्रीन वाला ऑरेंज वाले के साथ भी जा सकता है, ग्रीन वाला येलो वाले के साथ भी जा सकता है, और ये हमको क्या बताता है, इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि बिल्कुल जो मेंडल ने बात बोली है उसी बात को समझाने की कोशिश की जा रही है, क्लियर है बातें, ठीक है। तो यहां थोड़ी सी मियोसिस की बातें हो गई है, आगे आते हैं, क्रोमोसोम के अंदर भी क्या लग रहा है, इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम लग रहा है, ओके। अब यहां पर कुछ क्या है बातें हैं, देखें जरा क्या कह रहे हैं, सटन एंड बोवेरी एर्ग्यूड, एर्ग्यूड मतलब एक तरह से बहस करना, एक तरह रीजन देना, डेट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड, कहना चाह रहा है पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पेयर होना और अलग होना, ठीक है, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम का पेयर्ड होना और अलग होना, जो मियोसिस में तुमको पता होगा होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आते हैं फिर वो अलग हो जाते हैं, वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स, अब वो कह रहा है इसकी वजह से जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अब फैक्टर मतलब जीन्स, सटन यूनाइटेड द नॉलेज, उसने नॉलेज इकट्ठी की ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसका नाम आ गया, याद रखो सटन का, सुटन सटन जैसे याद रखो, सटन ने सारी नॉलेज इकट्ठी की क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के बारे में, क्रोमोसोम कैसे कैसे अलग अलग होते हैं, और उसने मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ उसको क्या कर दिया, मिला दिया, मिलाने के बाद उसने एक थ्योरी बनाई कि हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मेंडेलियन फैक्टर बिहेव करते हैं, कौन, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन, और उसने एक थ्योरी दे दी, कौन सी, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर है, आगे आते हैं, फिर क्या कह रहा है, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, इस आइडिया के बनने के बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन,
बवेरी ने तो क्या दे दिया, थ्योरी दे दी। उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन करने आ गए, मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने उसको क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश की, और उसके कलीग्स ने, ठीक है, लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की, अब बात थोड़ा समझते हैं। ये आइडिया बन गया क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कॉलीग में। जब वो इसको वेरीफाई कर रहे थे, उसने एक नई चीज खोज दी, लेड टू द डिस्कवरी द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। यानी कि यहां पे एक लाइन अंडरलाइन कर लेना, थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहे थे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, यहां से उन्हें एक नई चीज दिख गई कि वेरिएशन भी है यहां पर, इनहेरिटेंस तो हो ही रहा है लेकिन साथ साथ में जो वेरिएशन है ना, चीजें अलग, मतलब दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, उसके बारे में भी यहां पर डिस्कवरी हो गई। मॉर्गन वर्कड विद टीनी फ्रूट फ्लाई, मॉर्गन ने काम किसके ऊपर किया, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ड्रोसोफिला, भुनका बोल देते हैं हम लोग खाने पीने चीजों के ऊपर लग जाते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, फिगर 5.110 उसकी फिगर दे रखे हैं, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। उन्होंने इसके ऊपर काम किया और ये काफी ज्यादा सुटेबल है स्टडी के लिए, क्यों, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपली सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, बहुत इजिली सिंथेटिक मीडियम में, लेबोरेटरी में हम इसको ग्रो करा सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि क्यों ड्रोसोफिला बेस्ट है, तो बेस्ट इसलिए लैब में हम इजिली इसको ग्रो करा सकते हैं, अपनी लाइफ साइकिल 2 हफ्ते में पूरी कर लेते हैं, है ना, 2 हफ्ते में पूरे होके रिप्रोड्यूस करेंगे, बच्चे करेंगे, तो हमको इनको क्या है समझना आसान हो जाएगा जल्दी जल्दी। एंड अ सिंगल मेटिंग, और एक मेटिंग जो होती है, कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, तीसरा इसका बेनिफिट मिला। बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझने में आएंगी कि अच्छा कुछ बच्चे मैच कर रहे हैं, कुछ बच्चे मैच नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली, यानी कि मेल और फीमेल जो थे वो बहुत इजिली समझ में आते थे, जो मेल था वो छोटा था, फीमेल जो थी वो बड़ी थी, हमको मेल फीमेल को समझना भी क्या था, आसान था। ठीक है, ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप, जो हेरिडिटी वेरिएशन होती थी वो लो टाइप के माइक्रोस्कोप से भी हम लोग देख सकते थे। तो अल्टीमेटली कई बार क्वेश्चन आता है कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर बेस्ट क्यों था स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके 3-4 क्या है यहाँ पे हमारे पास रीजन है कि वो क्यों हमारे पास बेस्ट है समझने के लिए। क्लियर है? अब जो यहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, यहां से कुछ बातें निकल के बाहर आ रही हैं और उन बातों को हम लोग देख रहे हैं किस नाम से, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के नाम से। किसके नाम से? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के नाम से। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला के ऊपर और कुछ चीजें नहीं समझ में आई, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो क्या है ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, आप समझते हैं? तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक, इसमें एनसीईआरटी ने थोड़ा डायग्राम दे रखा है, उसको थोड़ा सा एक ब्रीफली एक आइडिया ले लें इसके बारे में कि आखिरकार किस सेंस में बात की जा रही है लिंकेज। लिंकेज मतलब समझ में आ रही ना बात, जो चीज जुड़ गई है, और रिकॉम्बिनेशन जो रिकम्बाइंड होकर न्यू आ गई है। तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो क्रॉस ए है वहां पर उसने क्या लिया, येल्लो बॉडी, पीली बॉडी और वाइट आई, ठीक है ना, और एक वाइल्ड टाइप का मेल ले लिया। इसको जब इसने आपस में क्रॉस कराया तो ऑब्वियसली बात है, अच्छा ये वाला जो क्रोमोसोम है ये एक्स रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, जब क्रॉस करा दिया है तो एक वाला, ये तो दोनों क्या होंगे, मेल है फीमेल है, तो दोनों एक्स और एक्स हो गए, तो एक ये इससे मिल जाएगा, एक ये इससे मिल जाएगा, दो टाइप के मिल जाएंगे। अच्छा वाइल्ड टाइप हमेशा कैसा रहता है, डोमिनेंट रहता है, तो जैसे ही इसके यहां मिला जाकर के वाइल्ड टाइप डोमिनेंट होता है और उसके ऊपर हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन से, ठीक है ना, वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट। ओके, अब क्या हुआ, ये वाला क्या हो गया, वाइल्ड टाइप हो गया, और ये क्योंकि ये वाई है, वाई के ऊपर कोई जीन नहीं होते हैं, तो एक्स वाले अपने क्या होता है, रिसेसिव होने के बावजूद क्या करेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो गया, येल्लो और व्हाइट, तो ये कैसा हो जाएगा, येल्लो और व्हाइट हो जाएगा, कौन, मेल। अब F1 का जो मेंडल कराते थे, F1 into F1, यानी कि F1 का आपस में क्रॉस करा दिया, तो जब F1 का आपस में क्रॉस करा दिया तो देखो यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करें, पहले इसको ले लो जो ये वाला पार्ट है किस, ठीक है, ये वाला पार्ट एक बार इससे एक बार इससे, या फिर हम यू कह ले वाई वाला एक बार इससे मिला और वाई वाला एक बार इससे मिला, ऑब्वियसली बात है ये दोनों क्या होने वाले हैं, एक्स, ये एक्स होगा और ये वाई होगा। तो देखो क्या हुआ, ये वाला वाई एक बार इससे मिला, ये वाला वाई एक बार इससे मिल गया,
ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये वाला एक्स एक बार इस एक्स से मिल गया अपना, ये वाला एक्स एक बार इससे मिल गया, ये इससे मिल गया। तो हमने क्या देखा वहां पर उसने कि अब ये वाला क्या रहेगा, वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप हमारे पेरेंट कैसा है, वाइल्ड है और येलो व्हाइट है जो हमारे पेरेंट है। इसका वाइल्ड टाइप हो गया येलो व्हाइट, वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट। उसने क्या देखा, टोटल काउंटिंग देखी कि जो F2 जनरेशन थी मेरे पास उसमें 98.7% बिल्कुल पेरेंट जैसे ही हमको नजर आ रहे थे। कुछ उसमें देख रहे हो यहां पर आधा येलो है और थोड़ा सा ये आ गया ब्लू वाला आ गया, ठीक है ना। और ये वाई तो है यहां पर, यहां पर क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया है, यहां पर क्या हो गया है, रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो ये एक रिकम्बाइन होकर हमको क्या मिल गया, व्हाइट मिला। ये रिकम्बाइन होकर हमको येलो मिला, ठीक है ना। व्हाइट आई मिली, बॉडी कोई कलर नहीं है, येलो मिल गया यहां पर। ये हमको यहां पर क्या मिल गया, अगेन व्हाइट मिल गया, ठीक है। तो ये देखो अभी तक हमको क्या था, पेरेंट हमारा क्या था, तो व्हाइट टाइप होता था या येलो व्हाइट होता था। अब यहां पर एक नया मिल गया, ओनली व्हाइट, ओनली येलो, ओनली व्हाइट, ओनली येलो। तो ये जो नए टाइप की वैरायटी मिली ये मात्र कितनी थी, 1.3%। तो यहां से एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, कि ये जो जीन्स है W और Y वाले, ये एक क्रोमोसोम के ऊपर, अगर मैं क्रोमोसोम मान लू इस टाइप से, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम मान लू इस टाइप से, तो ये जो जीन्स हैं इस क्रोमोसोम में काफी पास पास लगे हुए हैं। कलर चेंज कर दें, काफी क्या लगे हुए हैं, पास पास हैं। तो जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, तो इन जीन्स के अलग होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। जब ये जीन्स अलग होंगे ही नहीं, हमेशा साथ ही रहेंगे, तो हमेशा कैसे रहेंगे, पेरेंट टाइप दिखाएंगे ये, और जब अलग हो जाएंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे कैरेक्टर लिए, उसने लिया व्हाइट बॉडी और मिनिएचर विंग्स, इसका विंग लिए, मिनिएचर मतलब छोटे, जो छोटे पंख वाले थे, ठीक है ना, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग, और एक ले लिया वाइल्ड टाइप डोमिनेंट वाले, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है हमारे पास, अब देखो यहां पर क्या चीज है, कि यहां पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ओके, जब यहां पे लिया तो यहां पे सेम वही कहानी, एक बार वाई इसके साथ, ठीक है ना, देखो वाई इसके साथ, दोनों क्या है, एक्स और एक्स, ये क्या एक्स और वाई, तो एक बार इसके साथ आ गया, एक बार इसके साथ आ गया, एफ1 जनरेशन सिंपल रही। फिर यहां पर सिंपल वही चीज, दोनों यहां पे इन्होंने क्या देखा, एक बार इसके साथ मिला, एक बार इसके साथ मिला, और टोटल कॉम्बिनेशन जो बने मेरे पास, वाइल्ड टाइप वाइट मिनिएचर, वाइल्ड टाइप वाइट मिनिएचर, ये मेरे को मिले पेरेंटल टाइप 62.8%। और कुछ नया मिला, ठीक है ना, मिनिएचर मिला, केवल केवल वाइट मिला, केवल मिनिएचर, केवल वाइट। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो नए रिकॉम्बिनेशन मिले, ये मिले मेरे को 37.2%। तो बहुत ज्यादा संभावना, देखो यहां पर दूर दूर भी दिखा रखा है, तो क्या मतलब हो गया इसका, कि यहां पर जो मेरे पास जीन्स है इस बार, यहां पर जो मेरे पास जीन्स है इस बार, इसका मतलब एक ये थोड़ा यहां होगा, एक ये यहां होगा। तो जब क्रॉस ओवर हुआ तो ये दोनों जीन्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने की वजह से हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप काफी ज्यादा मिल गए। क्लियर है बात, फिलहाल मोटा मोटा यहां से हमें इतना समझना है कि जो व्हाइट बॉडी और जो मिनिएचर विंग था वो दूर दूर है, और येलो बॉडी और व्हाइट आई ये काफी पास पास जीन्स थे। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई, मोटा मोटा निष्कर्ष ये निकला, जो जीन्स काफी पास है उनको बोल दिया गया लिंक्ड जीन्स, यानी कि वो अलग नहीं होंगे तो पेरेंटल टाइप शो करेंगे। जो जीन्स काफी अलग दूर दूर हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है, आओ थ्योरी देख लें इसकी अब, ठीक है, बस यही कहानी यहां से निकल के आने वाली, आओ देख लें। मॉर्गन कैरी आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, कैसे किए उसने, डाई हाइब्रिड क्रॉस मार्क करेंगे इसको, उसके क्रॉस कैसे थे, डाई हाइब्रिड के थे। किसमें किए, ड्रोसोफिला में, टू स्टडी द जीन्स डेट वर सेक्स लिंक्ड। एक और बात, ये जीन्स जो थे सारे के सारे कैसे थे, सेक्स लिंक जीन्स थे, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहां पर पुराने वाले कैरेक्टर की से थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश मत करना, ये जीन्स किस पे लगे हुए हैं, सेक्स लिंक जीन है, ऑटोसोमल जीन्स नहीं है, ठीक है। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू डायहाइब्रिड क्रॉस, जो क्रॉस किए बिल्कुल सिमिलर था डायहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीज, जैसे मेंडल ने मटर के दाने पे किए थे, मटर के दाने मतलब मटर के पौधे पे किए थे, ठीक क्रॉस वैसे ही थे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी, ठीक है ना, व्हाइट आइड फीमेल। तो यहां तुम लोग नोट कर लोगे, क्या नोट करोगे, यहां तुम लोग नोट करोगे कि जो फीमेल है, फीमेल कैसी है, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, ठीक है, टू ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड मेल, ब्राउन बॉडी
और रेड आई क्या है मेल, तो उसके लिए सिंबल हमने वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस हो जाएगा मेल के लिए, ठीक है। एंड इंटरक्रॉस, इसको आपस में कह रहा है इंटरक्रॉस देयर एफ वन प्रोजेनी, देन उसके बाद हमने क्या किया इसके जो एफ वन प्रोजेनी थी उनको आपस में क्रॉस करा दिया, क्लियर है। ही ऑब्जर्व डेट, उसने ऑब्जर्व किया द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, जो दो जीन्स थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे थे, मतलब अगर एक जीन है तो उसके साथ दूसरा चिपका हुआ है, वो अलग अलग सेग्रीगेट नहीं हो रहे, जैसे कि मेंडल केस में था आर छोटे आर से अपने आप बेधड़क अलग हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे थे, ठीक है। एंड द एफ टू रेशो डेविएटेड, एफ टू रेशो था वो बदल गया बहुत ज्यादा फ्रॉम 9:3:3:1 से, क्योंकि यहां पर क्या चीज आ गया, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये क्या कर दिया, अपवाद हो गया कि अरे ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा, यहां पर दो जीन्स जो थे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे, एक जीन दूसरे पे डिपेंड है क्योंकि बहुत ज्यादा पास है ये, ठीक है। आओ आगे देखें आप ये क्या बोल रहा है, अब ये कह रहा है हमको मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू डेट, वो जानते थे डेट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, अच्छा ये बात उन्हें पहले से पता थी कि ये वाले जीन्स कहां लोकेट हो रखे हैं, एक्स पे लोकेट हो रखे हैं, तो ऊपर से अब नीचे पैरा पे आ गए, ऊपर से क्या समझ में आया, उसने फीमेल लिया मेल लिया क्रॉस कराया, उसे 9:3:3:1 नहीं मिला, उसने देखा जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो रहा है यहां पर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है यहां पर, कुछ और बातें बताना चाह रहा है, एनसीईआरटी कह रही है मॉर्गन और उसके जो ग्रुप थे वो जानते थे कि ये जीन्स कहां लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है, सेक्शन 5.4 आगे बात करेंगे इसके बारे में। एंड सॉ क्विकली डेट व्हेन द टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, और देखा क्या देखा उन्होंने कि व्हेन द टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन सिचुएटेड है तब प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल, ठीक है ना, जो पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन था वो नॉन पेरेंटल टाइप से बहुत ज्यादा था, यानी कि पेरेंटल टाइप ज्यादा हुए। अब क्या कह रहा है, मॉर्गन एट्रिब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइंड द टर्म लिंकेज, मॉर्गन ने इसको कहा कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फिजिकल एसोसिएशन है दो जीन्स के बीच में, जिसको उसने लिंकेज का नाम दिया, ठीक है, और टर्म एक नया टर्म निकाला लिंकेज। अब लिंकेज है तो हिंदी का वर्ड होगा, तो लिंक कर दो चीजों को जोड़ दो, तो लेकिन यहां उसने उसके लिए टर्म दे दिया लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन, ये जो फिजिकली एसोसिएट हो रखे हैं कि एक जीन के साथ दूसरा जीन जाएगा ही जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पास है, इसको समझाने के लिए उसने एक टर्म दे दिया लिंकेज, ठीक है, लिंकेज ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जो नॉन पेरेंटल टाइप था जहां पर क्रॉस होने के बाद दो जीन्स अलग हो गए थे, ठीक है ना, क्रॉस होने के बाद दो जीन्स अलग हो गए थे, ये दो जीन्स अलग हो गए क्रॉस होने के बाद, इसके लिए उसने टर्म क्या कॉइन किया, कौन सा टर्म बोला उसने, रिकॉम्बिनेशन, क्लियर है। आगे आते हैं, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक, ठीक है ना, जब दो उन्होंने क्या नोटिस किया, फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ग्रुप हो रखे हैं, कुछ जीन्स वेरी टाइटली लिंक्ड हैं, शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, जो बहुत ज्यादा टाइटली लिंक होंगे वो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे, क्रॉस ए जो पीछे हमने क्रॉस ए देखा है, ठीक है ना, क्रॉस ओ में क्या है, ये वाले बहुत टाइटली लिंक है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन बहुत कम आ रहा है इसके अंदर, क्लियर होगी बात, ओके। वाइल अदर वर लूजली लिंक्ड शोड हायर रिकॉम्बिनेशन, जो लूजली लिंक्ड है, ठीक है, यानी कि क्रॉस वी की बात कर रहे हैं यहां पर, जो लूजली लिंक्ड है यानी कि थोड़े से दूर दूर कह सकते हैं हम लोग, तो ये इसका रिकॉम्बिनेशन कितना आ गया, 37.2%, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स व्हाइट एंड येलो, व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड, तो इसको नोट भी कर लेना कि कौन से वाले जीन्स ड्रोसोफिला में टाइटली लिंक्ड होते हैं, व्हाइट एंड येलो, ठीक है ना, एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, वाइल व्हाइट एंड मिनिएचर विंग शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, यानी कि जो व्हाइट और मिनिएचर विंग वाला जीन्स है ये थोड़ा सा लूजली क्या है, लिंक्ड है, तो लूजली लिंक्ड वाले ज्यादा रिकॉम्बिनेशन करेंगे, टाइट लिंक वाले कम रिकॉम्बिनेशन करेंगे, ये टाइट लिंक लूजली लिंक इन वर्ड को दिमाग में सेट कर लेंगे। आगे आते हैं, हिज स्टूडेंट, उसके जो स्टूडेंट थे, क्या नाम है उनका, आल्फ्रेड, उनके स्टूडेंट का नाम क्या है, आल्फ्रेड, आल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट,
यूज्ड, अब ये नाम याद रखेंगे, यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहां पर उन्होंने एक बात बोल रहा है, उन्होंने क्या यूज किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन्स पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है ना। अब यहां पे एक साफ साफ बात ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बात बोल दी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बिटवीन द जीन्स पेयर, जीन्स पेयर के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी, कितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन करेगा, उसको इन्होंने किसके टर्म में मेजर कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन द जीन। अब ऑब्वियस ही बात है, मान लो ये क्रोमोसोम है, अब है ना क्रॉसओवर होता है यहां पर, याद है ना क्रॉसओवर होता है। ठीक है, जब ये क्रॉसओवर हो रहा है, अब जो जीन्स, एक जीन्स मान लो इसमें, अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि जीन्स में हमें क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, और एक दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, चलो ये वाला ले लिया। ठीक है, अब जीन्स इसके वो शो करते हैं। अब मान लो जो जीन्स यहां लगे हुए हैं सपोज, और एक जीन्स यहां लगा हुआ है, तो देख सकते हैं ना ये वाले जो जीन्स हैं, ठीक है ये वाले जो येलो ब्लू पे लगे हुए हैं, दूरी बहुत ज्यादा है तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होगा, दूरी बहुत कम है ठीक है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन काफी कम होगा। तो सीधी सी बात बोल दी उन्होंने, समझे अगर मोटा मोटा, तो सीधी बात बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बाइन होने की जो फ्रीक्वेंसी है बिटवीन द जीन्स पेयर, जीन्स पेयर के बीच में ऑन द सेम क्रोमोजोम, जो सेम क्रोमोजोम पे है, एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन, उन जीन्स के बीच में कितनी दूरी है वो उसको मेजर करेगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन, ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, क्या कह सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैसे समझें, जितनी ज्यादा दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स पेयर, डिस्टेंस बिटवीन द जीन पेयर, कह सकते हैं जितनी ज्यादा दूरी उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, इसका जस्ट उलट, लिंकेज ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट लिंकेज को इससे देखूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन पेयर, डिस्टेंस जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम, डिस्टेंस जितना कम लिंकेज उतना ज्यादा, क्लियर है। तो ये बात उसने समझा दी उसने, अच्छा अब उसने क्या किया, ये क्या बोल रहा है, मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। अब हम लोग आज के टाइम पे जानते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से कि जीन्स की लोकेशन जानते हैं लोग, किस क्रोमोसोम पे कितनी कितनी दूरी पे जीन्स है, तो यहां पर इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, मान लो एक क्रोमोसोम है, तो यहां पर एक क्रोमोसोम को मैं अलग कर लूं, इस टाइप से क्रोमोसोम बना लूं मैं, तो अब इस फंडे को यूज करते हुए स्टुअर्ट ने क्या किया, एक दो तीन चार पांच छह, मान लो छह जीन लगे हुए, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, तो उन्होंने क्या किया, जीन्स की मैपिंग कर दी कि कौन सा जीन कितनी दूरी पर है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को देखते हुए, बात समझ में आई। तो ये मैपिंग कहलाई कि क्रोमोसोम में जीन्स कौन कितनी दूरी पर है, जिनमें रिकॉम्बिनेशन कम वो पास पास, रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है वो दूर दूर, मैपिंग हो गई है। अब किस तरीके से कैसे किया वो उनका काम था, हमको यहां केवल समझना कि ये मैप्ड देयर पोजिशन से क्या मतलब है ऑन द क्रोमोसोम। टूडे आज जेनेटिक मैप्स, क्या कह रहा है, टूडे जेनेटिक मैप्स, जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज, बहुत ज्यादा यूज होते हैं एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन सिक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। अब सिक्वेंसिंग क्या है, ये 6th चैप्टर समझ में आएगा, हम लोगों ने किस क्रोमोसोम पे कौन सा जीन लगा हुआ है इसको पूरा सिक्वेंस किया हुआ है, तो ये आजकल बहुत ज्यादा इस मैपिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है इस सिक्वेंसिंग ऑफ जीनोम के लिए। डन वॉज डन इन द केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब लेटर, जो कि चैप्टर नंबर 6 में डिस्क्राइब करेंगे, क्लियर है बातें। तो इस तरीके से अब ये ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग, इसको मार्क कर लो, जहां जहां लिखा है चैप्टर नंबर 6 ऐसे मार्क कर लो 6, अभी अच्छे समझ में नहीं आएगा, जैसे चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे फिर वहां से बैक आ जाना,
अब जब मान लो अगर भूल भी जाओ बैक आना तो दोबारा रिवीजन करोगे, छठा चैप्टर पढ़ चुके होगा, यहाँ छह लिखा हुआ है मतलब छठे चैप्टर पे जाना है हमको और एक बार देख लेना है। तो ये चीज समझ, वैसे यहाँ पे अगर समझ में नहीं भी आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपने आप में एक टॉपिक है पूरा बड़ा सा, जिसको कि हम लोग समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आगे आए, क्या कह रहा है अभी? अच्छा, इसमें तो पूरा डायग्राम है। नेक्स्ट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ये चैप्टर पूरा खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। तो जितना पढ़ा दिया है वहां तक रिवाइज करेंगे और कोशिश यही करेंगे, देखो कुछ नहीं है, नए नए टर्म्स आते हैं, हर टर्म का मतलब समझना है, उस टर्म को समझते हुए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा उसको दिमाग में उसकी एक पिक्चर सेट कर लेनी है कि अच्छा ये सिक्वेंसिंग हो रही है, ये मैपिंग हो रही है, या जो जो बातें आ रही हैं उसको दिमाग में क्या कर लेना, उसकी पिक्चर सेट कर लेनी है। बायो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस बहुत है, भूलता बच्चा बहुत है। तो कोशिश करो जब पढ़ो तो उसकी एक पिक्चर दिमाग में सेट करते चलो, ताकि चार ऑप्शन तो होते ही है ना, क्वेश्चन पढ़ते उसका इमेज आ जाएगा अच्छा ये है, तो तीन ऑप्शन निकल जाएंगे, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो है ही है। अगर भूल जाते हो तो पिक्चर से क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, उसकी पिक्चर एक जरूर दिमाग में सेट करें। क्या करोगे, सारे टर्म्स को अच्छे से लर्न करना है, सारे टर्म्स के मीनिंग को बकायदा हिंदी में समझते हुए उनका पिक्चर दिमाग में सेट करोगे, बायो बहुत आसान हो जाएगी। बाद बाकी मैं कोशिश कर ही रहा हूं, आप भी कोशिश करें और पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। बिना रिवीजन के बायो बेकार है। कम से कम मिनिमम 10, मिनिमम बताया, कम से कम नीट देने से पहले आपको एक एक चैप्टर को कम से कम 10 बार पढ़ लेना है। पढ़ने मतलब ये नहीं केवल पढ़ लिया, हर बार ऐसे पढ़ना कि ऐसे पहली बार पढ़ रहे हो। क्लियर है? गारंटीड बायो का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। पढ़ोगे, गुड, ऑल द बेस्ट।